You are live. Okay, guys. ये क्या खुल गया? व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, सब लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे. टाइम क्या हो रहा है? 1 मिनट लेट हो गया मैं. 1 मिनट लेट. वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट नंबर फ्लाइंग बी 001. आज हम जाएंगे दिल्ली से जयपुर और मौसम बहुत ही बढ़िया है. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फिगर आउट. अपना जहाज में लगा लूँ और टाई लगा लूँ मैं. ओ, वी आर लाइव नाउ. आई कैन कंफर्म वी आर लाइव नाउ. एक सेकेंड. सॉरी गाइस, घर पे लेट हो जाते हैं हम लोग, तो हमें कॉकपिट में आके ही तैयार होना पड़ता है. सो वेलकम बैक, वेलकम बैक. दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रीम. थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं कि स्ट्रीम में अगर कुछ खराब हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा. बट नेवर द लेस, आज हम जहाज उड़ाएंगे. दिस इज द एक्स प्लेन फ्लाइंग एयरबस 320. एक बार सारे लोग जितने भी देख रहे हैं, फटाक से लाइव दबा दो, लाइक दबा दो. जहाज हमारा रेडी है, एयरबस 320 फ्लाई करेंगे और इसको हमने लगा दिया है इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल से. एंड ये बहुत ही नया नया लाइव स्ट्रीम है. स्टार्ट करते हैं इसको, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं. चलो स्टार्ट करते हैं. गौरव भाई, फिर मैं चलता हूँ. ठीक है, थोड़ा ओके भाई, सी यू. काम करूँगा. ठीक है, और थैंक यू, थैंक यू. एक बार इंस्टा चेक कर लेना. ओके. एक्स प्लेन 11 एयरबस 320 स्टार्ट होने वाला है. सुपर चैट्स मेरे मिस ना हो जाए तो मैंने अपना फोन रखा है बगल में ही. ओ, क्या मैं सही देख रहा हूं भाई साहब? 71K वॉचिंग. ओहो, वक्त बदल दिया है, जज्बात बदल दिए. अब ये सॉफ्टवेयर ना क्रैश हो जाए भाई. ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चल रहा है? ओके, आर एटीसी इज ऑल्सो विद अस. अब्दुल भाई, यू आर देयर? यस ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी स्टार्ट दिस. ओ भाई यार, चल क्यों नहीं रहा? बेइज्जती कराएगा पहले स्ट्रीम में. भाई चल जा, क्या हो गया? वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड. ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा. ये आ चुका है अपना कॉकपिट. आह, सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग. ग्लो करा ली बेइज्जती पहली स्ट्रीम में. एक सेकंड भाई, इसको मैं बंद कर रहा हूँ. यार कितनी बेइज्जती करा दी यार पहली पहली स्ट्रीम में. सॉरी गाइस, इसको जस्ट भूल जाओ. ये नहीं हुआ, ये हुआ ही नहीं है, ये हुआ ही नहीं है. यहाँ पे प्ले प्ले एक्सप्लेन 11 प्ले. ओके 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 ओके. लेट ओपी. अबे यार, 1 मिनट लेट हुआ भाई मैं. प्लीज प्लीज, 1 मिनट लेट था मैं. मेरी टाई ठीक है कि नहीं? ओके, वी विल रिज्यूम फ्रॉम आर लास्ट फ्लाइट और शुड वी डू न्यू फ्लाइट? न्यू फ्लाइट करते हैं. चलो खली वली. कस्टमाइज इंदिरा गांधी, कस्टमाइज स्टैंड नंबर 7 है, कंफर्म. लेट्स स्टार्ट. एक सेकेंड, फेलियर्स इसको हटा देते हैं. यहाँ पे वी विल फिक्स ऑल सिस्टम्स. आज कोई फेलियर नहीं करेंगे, पहली जहाज की फ्लाइट है हमारी. वेट एंड बैलेंस देख लेते हैं यहाँ पे. तो मैं आपको समझाता रहता हूँ होता क्या है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं छेड़ेंगे. 9,505 किलो का पेलोड लेके हम जा रहे हैं. टोटल फ्यूल हमारे पास 10 टन का है. हमारी फ्लाइट है दिल्ली से जयपुर और 5-5 टन दोनों साइड हमारा फ्यूल बैलेंस है. ठीक है, इसको मैं डन कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं कर देता हूँ. सो वी आर नॉट पुटिंग स्टार्ट विद इंजन. अब आपको मैं दिखाऊंगा कि जब आप सुबह सुबह फ्लाइट पे जाते हैं और एयरक्राफ्ट खड़ा होता है तो हाउ डू यू प्रिपेयर, और किस स्टेट में जहाज होता है, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे टेक ऑफ करते हैं, कैसे उसको इंजन स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है. आपको लगेगा कि क्या यार, इतना सिंपल होता है काम आप लोगों का, बट मज़े बहुत आते हैं जब आपको जो फील आएगी जब आप टेक ऑफ कर रहे हैं और जब रनवे पे जा रहे हैं, उसके बाद बहुत ही अमेजिंग फील आती है जो इंजन्स की आवाज़ आती है ना. तो दिस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कि ये आपको फील बहुत ज़बरदस्त देता है और ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं इसके. बस स्क्रैच ना हो जाए भगवान. कितने वॉचिंग है अपने यार? मेरे पास ना एक दिक्कत ये है कि ओहो, 87K भाई, इसको लाख करवा दो और सब लोग एक बार लाइक हिट कर दो. अरे मैंने भी लाइक नहीं किया, मैं भी लाइक कर देता हूँ.
23K likes, 87K watching। और भाई एक काम करते हैं, इसको स्ट्रीम करते करते अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचा दे आज, मैं टेक ऑफ कर लूंगा। मैं लैंड नहीं करूंगा अगर मिलियन नहीं हुए तो, ये बेस्ट है, मैं लैंड नहीं करूंगा भाई। तुम लोग हवा में सारे हो, मैंने फ्यूल बहुत 10 टन फ्यूल लिया दिल्ली जयपुर में, आराम से मैं घुमा सकता हूँ तुम लोग को। 2 घंटा, 2 घंटा की स्ट्रीम चलेगी, उसके बाद मैं कूद जाऊंगा पैराशूट लेके सीधा, यहां से मैं पबजी में आऊंगा, पबजी से कूद जाऊंगा नीचे। फिनिशिंग लोडिंग, बल्कि जल्दी फिनिश। एक्चुअली ये बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, मुझे पहले से लोड करके रखना चाहिए था, बट मैं थोड़ा नर्वस आ गया था कि यार पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। और इसको मैं फुल स्क्रीन अभी कर दूंगा 1 सेकंड में, पहले मैं देख लूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं स्टूडियो में जाके। हो, कम ना भाई, 980 के सब्सक्राइबर होगा स्टूडियो में, देखा अभी अभी, 20,000 और चाहिए, कहीं से भी पकड़ के लाओ, पड़ोसियों को पकड़ के लाओ, इधर से पकड़ के लाओ। और स्टार्ट हो चुका है हमारा A320 अल्टीमेट। ओके, एयरक्राफ्ट सिस्टम लोडिंग, बहुत तेज चिल्ला रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं गला सूख जा रहा है मेरा। यूजली एक बात, हम लोग जैसे चश्मे खरीदते ना तो हमेशा पोलराइज चश्मा खरीदते हैं, तो मैं शुरू शुरू में जब ये मैंने नए थोड़े ग्राफिक्स डाउनलोड किए थे, ये कह रहा है कि देर इज अ प्रॉब्लम लोडिंग, नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम करेंगे तो उसको मैं टेक केयर कर लूंगा। अंडरस्टूड भाई, अंडरस्टूड भाई, अंडरस्टूड, बहुत अंग्रेजी यहाँ पे हो गई, इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। अंडरस्टूड, चले जा भाई, मेरे क्यों बेइज्जती करा रहा है। तो हम लोग, हमारा जो एयरक्राफ्ट का सामने का ग्लेशियल शीशा होता है ना, वो पोलराइज होता है, तो मैंने महंगे चश्मे खरीद लिए रेबैन के पोलराइज। अब ये पोलराइज उस पोलराइज को कैंसिल कर देता है, तो आपको वो ऐसा लगता है कि रेनबो बन गया सामने, तो इसीलिए मैं ये चश्मा पहन के आया हूँ। अरे जाना भाई, क्या हो गया? अंडरस्टूड मेरे बाप, ए इशू क्या है इसका? ओके, नाउ इट्स वर्किंग। ओके ओके, नाउ इट विल स्टार्ट। यार मैं सुपर चैट शायद मिस कर दूं आज के स्ट्रीम में, क्योंकि ना मैं बहुत कच्चा हूं भाई लाइव स्ट्रीमिंग करने में, धीरे धीरे मैं बेटर हो जाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो। ओहो, लाख क्रॉस करके भाई 107 के वॉचिंग हो गया है। भाई तुम लोग मेरे को ऐसा ना करो कि मैं जहाज, भाई पायलट को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, ऐसा नहीं करो, मेरे को जहाज भी उड़ाना है अभी। 1 सेकंड 1 सेकंड, क्या मौत पड़ गई इसको? चालू हो जा, यू हैव प्लेड फॉर 4 आवर्स, बट वाई? एक्सेलेंट कनेक्शन तो दिखा रहा है, चल क्यों नहीं रहा ये, एक्सप्लेन। 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन, लेट मी फिगर आउट ये क्या चल रहा है जिंदगी में, ये क्यों खुला? अच्छा ये खुला हुआ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, चार्ट्स नहीं लाया, मैं चार्ट्स लेके आता हूँ। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं भाई, सभी लोगों से अनुरोध है कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये जहाज बहुत तेज उड़ाऊंगा मैं। डाउनलोड्स, VIDP, VIDP इज द कोड फॉर डेली, कम दिस साइड बेबी। सो अब आपको बताता हूँ कि हम लोग फ्लाइट में जाने से पहले क्या करते हैं। दिस इज अ चार्ट फॉर डेली, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है डेली VIDP, एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब जो आप लिखा है कुछ नहीं पढ़ना आपने, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। सीधा आप जाएंगे, ये चार्ट को लेंगे, आपकी ब्रीफिंग होती है, ये सब चार्ट बहुत फालतू के चार्ट होते हैं। एक्चुअली हमें जब हम लोग आते हैं एयरपोर्ट पे, 1 घंटे का टाइम होता है टू प्रिपेयर फॉर द फ्लाइट, और हमें इतने सारे कागज मोटे पत्थर दे दिए जाते हैं, होता ही नहीं टाइम। यूजली यू गो थ्रू द इम्पोर्टेंट स्टफ, क्योंकि ये सब आप रोज क्या करते हो। अब आपको बताता हूँ मैं होता क्या है। ये आपका चार्ट आ गया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये देखो ये मेन चार्ट है। अब हम टेक ऑफ करेंगे इस रनवे से, ये है रनवे 28, ठीक है। हम लोग कई खड़े हैं यहाँ पे, अगर आप मेरा माउस देख पा रहे हैं, ये देखो हम लोग यहाँ कई खड़े हैं। एक्चुअली जब आप टर्मिनल 1 से जाते हैं ना, तो आप कहाँ जाते हैं आपको बताता हूँ। टर्मिनल 1 से अगर आप जाते हो, तो ये देख रहे हो टर्मिनल 1 लिखा हुआ, ये यहाँ आप जाते हैं और यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ते हैं। और टर्मिनल 2 अगर आप जाते हैं, तो सीधा NH8 से निकल के, पीछे से निकल के यहाँ से जाते हैं आप, ये आपका टर्मिनल 3 आ गया, 3 आ गया, और ये टर्मिनल 2, ये बाकी हज टर्मिनल। सो हम लोग अभी यहाँ खड़े स्टैंड नंबर 7 पे, बस मेरे को ये दिखाना था आपको, ये स्टैंड नंबर 7 हमारा यहाँ पे है। तो दिस इज द स्टैंड वी आर स्टैंडिंग एट, एंड वॉट एल्स कैन आई शो यू। अप्रोच पीरियड दिखाता हूँ, जब काम आएगा तभी दिखाऊंगा, अभी इसमें चार्ट को साइड रख देता हूँ। वॉचिंग कितनी हो गई अपनी, 107 की, 110 की वॉचिंग हो गई भाई, ज़बरदस्त हो गई, बेइज्जती पूरी हो रही मेरी, क्योंकि ये साला स्टार्ट नहीं हो रहा। 1 सेकेंड, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। हाय,
ओके, फाइल फ्लाइट प्लान करना हमने, फाइल फ्लाइट प्लान करते हैं हम, तो हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर भर देते हैं। मैन्युफैक्चरर हमारा है, संयम बनाए रखें सब लोग, संयम बनाए रखें। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एयरबस, एयरबस इंडस्ट्रीज का जहाज़ लेके 320 मॉडल नंबर उड़ाएंगे हम आज, A320, और फ्लाइट नंबर है फ्लाइंग, अरे साला ये क्या हो रहा, हाँ रुक जा भाई, फ्लाइंग बी 001, तो सिर्फ 001 आएगा यहाँ पे, 01 डिपार्चर VIDP दिल्ली, और हम जाएंगे जयपुर VIJP, ये हो गया जयपुर एन रूट ऑल्टीट्यूड वील बी क्रूजिंग टुडे एट 200, मतलब कि 20,000 फीट पे हम क्रूज करेंगे, ज़्यादा चल 250 करते हैं, 2,500, 25,000 फीट पे हम जाएंगे, और रूट हम डायरेक्ट फ्लाइट फाइल करेंगे यहाँ से, दिल्ली से टेक ऑफ करके डायरेक्ट जयपुर जाएंगे। सो हमने फ्लाइट प्लान फाइल कर दिया भाई। ये जो आप लोग देख रहे हो ना साइड में, ये फ्रीक्वेंसीज हैं ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी, इस पे हम लोग बात करते हैं कि भाई किस पे कैसे कैसे बात करना है। तो ये हो गया, साइड में कर देते हैं इसको, ऑटो ट्यून इज गोइंग ऑन एंड बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ से बंद हो गया, रिज्यूम फ्लाइट, एक सेकेंड, रैंप नंबर 7, रिज्यूम फ्लाइट, रिज्यूम फ्लाइट। अबे ये रात का टाइम हो गया क्या? हाँ ये देखो गाड़ी, अरे भाई ओ एक सेकेंड भाई, इस मॉनिटर की ब्राइटनेस बहुत कम है। एक सेकेंड भाई, ये नया मॉनिटर लाया मैं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन गाइस, सॉरी। हम लोग एक्चुअली कॉकपिट के अंदर ही, बड़ा अंधेरा है कॉकपिट में, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं बंद करके अपनी बेहतरीन पायलट स्किल्स लगाऊंगा, और आपको मैं अंधेरे में भी लाइट जला के दिखाऊंगा। अबे ये कैसे जाएगा यार, ये भी स्ट्रीम हो रहा है क्या? अच्छा शुक्र है भगवान का, ये स्ट्रीम नहीं हो रहा, मेरे कॉक मेरे लैपटॉप में कुछ खुला हुआ है। हाँ गाइज, ओके 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 ओके, होल्ड ऑन, आई हैव फिगर आउट, आई हैव फिगर आउट, 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, कप्तान हूँ मैं जहाज का, ऐसे नहीं होता। अब हमने ग्राउंड पावर ले ली है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड पावर से होता क्या है। यहाँ पे कहीं हमें दिखेगा, ये रहा ये रहा ये रहा, अब आएगी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कैप्टन गौरव तो नहीं जाने। अब हमारा जहाज चल चुका है, ओके ओके, सो दिस इज द कॉकपिट गाइस, अब आपको दिख रहा होगा सारी बत्तियां चालू हो जाएंगी। ओके नाइस नाइस नाइस, इट विल टेक 40 सेकेंड्स टू स्टार्ट। सो हमने जो भी स्टार्ट किया था, मैं ऑडियो कम कर देता हूँ, ऑडियो कम कर देता हूँ मैं, साउंड साउंड साउंड, एयरक्राफ्ट एक्सटीरियर कम कर देता हूँ, एयरक्राफ्ट इंटीरियर कम कर देता हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही होगी। अभी हमने ये एयरक्राफ्ट कोल्ड पड़ा हुआ था, कोल्ड मतलब इसमें कुछ नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जाके साइड में से ये एक एक्सटर्नल पावर लिया। अब एक्सटर्नल पावर कैसी होती है, लेट मी शो यू, क्यों नहीं दिख रहा यार, ये देखिए, ये हम लोग खड़े हैं बाहर, दिल्ली का एयरपोर्ट है ये, बाहर जो आपको दिख रहा है गाड़ियाँ चल रही हैं, और अपना जहाज़ भाई एक काम करते हैं, एक काम करते हैं एक काम करते हैं एक काम करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दिन की सेटिंग लगाते हैं क्योंकि दिन में ज़्यादा बेहतर दिखेगा यार, रात का मज़ा नहीं आ रहा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा, रात को दिक्कत हो रही है देखने में यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्ले, इसको दिन में लगाएंगे। मैं साला 1 घंटे से फिगर आउट नहीं कर पा रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और वैसे ही एक तो पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार बेइज्जती हो रही बेइज्जती हो रही बेइज्जती हो रही है। कितने वॉचिंग है? ओ भाई 120, कोई गया नहीं कोई नहीं गया, थैंक यू भगवान थैंक यू भगवान थैंक यू भगवान थैंक यू भगवान,
रिज्यूम लास्ट फ्लाइट नहीं करेंगे, हम नई फ्लाइट चलाएंगे सर, क्योंकि लास्ट फ्लाइट में हमारी चिथड़ा हो गई थी फट के। वेदर यहाँ देखो, यहाँ टाइम ऑफ द डे कस्टमाइज कर देते हैं हम, ये रात लगी हुई है ना, हम इसको दिन कर देते हैं भाई। हाँ ये दिन हो गया ना, आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगेगा कि मैं नूब हूँ, मैं नूब नहीं हूँ इस गेम में, नूब नहीं हूँ मैं, पबजी में नूब हूँ, मैं इस गेम में नूब नहीं हूँ। प्लीज अब इसको करते हैं हम स्टार्ट करते हैं, और कोई सेटिंग तो नहीं है कि दोबारा जाके फकअप हो जाए। बस बढ़िया, स्टैंड नंबर 7 पे खड़े हैं। ओके ओके ओके, स्टार्ट करते हैं भाई। सॉरी गाइस, कितना टाइम हो गया हमने, मैं अनाउंस कर देता हूँ। देवीर सज्जनों नमस्कार, इस विमान फ्लाइंग बीस्ट 001 में आप सबका स्वागत है। मैं विमान कक्ष से आपका कप्तान कैप्टन गौरव सुनेजा बोल रहा हूँ। मेरे सह कप्तान पीछे अपने बच्चे को खेला रहे हैं, जिनका नाम रसभरी है। सह कप्तान का नाम ऋतु राठी तनेजा जी है। ये जहाज मैं अकेले उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्टर्ट पायलट हूँ। और आज हम जाएंगे दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर तक की दूरी 30 to 35 मिनट से पूरी की जाएगी। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट, वील बी क्रूजिंग एट अराउंड 25,000 फीट ऑल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल। एंड एंड एक एक जगह छोड़ के बैठे हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। प्लीज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। आर क्रू इन द कैबिन इज लेड बाय मोना। मोना विल बी सर्विंग यू एंड शी विल बी देयर, शी इज देयर मेनली फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। एंड इन अ शॉर्ट वाइल मोना विल बी डूइंग हर इन फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन, सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन। तो प्लीज़ मोना की फोटो ना खींचें, बहुत लोग फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर लगा देते हैं। देयर मेन जॉब इज फॉर योर सिक्योरिटी। Please pay attention and I'll get back to you once we get our clearance from ATC. For the delay, I really want to apologize. The delay is because you know you are in the cockpit with me. You know what the delay is. But अब हम जहाज उड़ाएंगे भाई, बहुत बेहतरीन जहाज उड़ाएंगे। अब आप देखेंगे कि जहाज कैसे उड़ता है। अभी तक तो हम ऐसे भाई 977 के सब्सक्राइबर्स हो गए। सब्सक्राइबर कितने हो गए? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ सर, 985 के 15,000 लोग चाहिए हमें। 15 में बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ क्या, तो बता देना। इसको फुल स्क्रीन करते हैं, अब उड़ाएंगे जहाज हम। अब देखो जहाज कैसे उड़ाते हैं हम बताते हैं, रुक जाओ। जहाज कैसे उड़ाते हैं हम बताएंगे, ए रुक जाओ, अंडरस्टूड भाई, चल निकल यहाँ से। तो ये अपना जहाज आ गया है, हम लोग खड़े हैं स्टैंड नंबर 7 पे, ठीक है गाइस। अब इसको, ये कोल्ड एयरक्राफ्ट है, एक कोल्ड एयरक्राफ्ट मतलब देखिए स्क्रीन से आपकी ब्लैंक दिख रही है आपको, मतलब कि कोल्ड एयरक्राफ्ट है। भाई मेरी आवाज़ आ रही है ना, है पता नहीं, बोलता जा रहा आवाज़ ही नहीं आ रही, आ रही है। 17 मिनट हो गए, चलो फ्लाइंग विद कैप्टन बीस्ट। अभी कोल्ड एयरक्राफ्ट में हमको पावर देनी होती है पावर। ये देखिए बगल की सीट खाली है, ये फर्स्ट ऑफिसर जाके बच्चे को दूध पिला रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चा छोटा है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, अगर आपको यहाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा, ये इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरी ग्राउंड पावर आ गई। ग्राउंड पावर मतलब आपको, आपको बताता हूँ व्हाट इज़ ग्राउंड पावर। ये देखिए आप, ये आप एक ट्रक देख रहे होंगे, इस ट्रक से तार जा रही है, तो ये तार एयरक्राफ्ट को पावर कर रही है, और पूरे एयरक्राफ्ट में यहाँ से पावर जा रही है आपके, क्योंकि अभी तक हमारे इंजन ऑन नहीं, हमारा एपीयू ऑन नहीं है। एपीयू क्या होता है, ये जो आप पूछ देख रहे हैं इसकी बुंड, यहाँ पे छोटा सा एक सिंगल टर्बाइन लगा होता है, वो इसकी बुंड होती है, और वहाँ से हम पावर लेते हैं एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिकल, जब तक हमारे इंजन स्टार्ट नहीं होते। इंजन सबको पता है कहाँ पे होते हैं, अगर किसी को नहीं पता इंजन कहाँ पे होते हैं, प्लीज़ जहाज से उतर जाइए। हाँ आते कॉकपिट के अंदर, ठीक है भाई। आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, व्यू कौन कौन से मिलेंगे आपको, आपको अंदर बैठे बैठे बाहर का भी व्यू मिलेगा। ये देखिए एक तो व्यू आपको ये मिल जाएगा, और अगर आपको घूमना है तो आप पायलट को बोल सकते हैं, पायलट साहब घुमा दीजिए। तो पायलट के पास कंट्रोल्स होते हैं कि मैं आपको ऐसे ऐसे करके घुमा सकता हूँ। दूसरा व्यू आपको ये मिलेगा गाइस, ये देखिए स्टैंड नंबर 7 है ये। ये आप देख रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट में इतना जंगल, इतनी खाली जगह कैसे, क्योंकि हमारे पास थोड़े पैसों की कमी हो गई है। जब हमारे पास सुपर चैट आएंगे फिर हम बेहतर वाली सीनरी खरीदेंगे, और यहाँ पर आपको रियलिस्टिक सीनरी दिला देंगे। और ये देखिए, ये आपको लाइट्स दिख जाएंगी। ये एक और व्यू है, ये एक और व्यू है, दूर का व्यू है ये, ये एक और व्यू है। ये बेली में आप वॉक अराउंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको घूमना हो कि क्या है, ये आपके एलिवेटर्स हैं, चेक कर सकते हैं ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन। और कौन सा व्यू हमारे पास, और ये व्यू है कॉकपिट का, वापस आ गए हम, ठीक है। डब्ल्यू दबा देता हूँ, ओए चल जा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इस पावर को ले लेंगे फटाक। तो अब मैंने पावर कनेक्ट कर दी एयरक्राफ्ट से, अभी तक सिर्फ वो पावर दे रहा था। जब अवेल लाइट आती, मतलब पावर मेरी इनफ है, गुड टू गो है, 400 वोल्ट्स होते हैं। अब मैंने पावर ले ली, ठीक है। अब पावर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम देखो, मेरे पास चेकलिस्ट तो है नहीं, तो मैं एवरीथिंग बाय मेमोरी करूँगा। सबसे पहला काम जो आप एयरबस में करते हैं वो है ऑल वाइट लाइट्स ऑफ। मैं थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी आपको, मुझे भी कर रही है। ए क्या क्या, रिज्यूम फ्लाइट, वन सेकेंड, अबे क्या आ रहा है यार, और हमने फ्लाइट प्लान तो फाइल ही नहीं किया भाई। रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे ही जहाज उड़ा लेंगे क्या। एयरबस मॉडल नंबर 320,
और मैं ये आपके सामने मैंने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों को शायद इंटरेस्टेड होंगे ये सब देखने में कि एक्चुअली होता कैसे। फ्लाइट नंबर 01 और हम जाएंगे जयपुर, जयपुर जा रहे हैं। अगर ऋतु राठी तनेजा मेरा स्ट्रीम देख रही हैं तो मुझे यहाँ पे आके इशारा कर सकती हैं कि सब कुछ सही जा रहा है और लोगों को मज़ा आ रहा है स्ट्रीम में। अगर बोरिंग चल रहा तो यहाँ पे आके बता सकती हैं आप। हाँ तो 250 पे क्रूज करेंगे, 25,000 फीट हो गया। फाइल फ्लाइट प्लान, फ्लाइट प्लान फाइल कर दिया है। रिक्वेस्ट अल्टीमेटर एक से बाद में करेंगे इसको, रुक जाओ अभी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ, साउंड बढ़िया जा रहा है। ओके ऋतु राठी जाने जा चुकी हैं, इन्होंने कहा सब बढ़िया जा रहा है, बहुत बहुत तालियां इनके लिए। को पायलट की आवाज़ मैं जीरो कर देता हूँ, को पायलट है ही नहीं। क्या हुआ चेकलिस्ट है? हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। सो हमारे को पायलट हमारी चेकलिस्ट लेके आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल आवाज़ भी धीरे कर देते हैं, यूज़र इंटरफेस भी धीरे कर देते हैं। आई थिंक इट शुड बी गुड नाउ। ओए कम नहीं हुई आवाज़ यार, ये अब ठीक है, उससे कम होती नहीं है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, जो को पायलट करता है, को पायलट हमारे पास है नहीं, हम सस्ती एयरलाइन है तो हम खुद ही करूँगा मैं उसका काम। अब मैं पहला काम कर लेता हूँ, मैं अपना APU पहले स्टार्ट कर लेता हूँ और मुझे अपनी बैटरी चेक करनी, मेरी बैटरी में पावर कितनी है। बैटरी की पावर चेक करने के लिए देखो गाइज, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये कौन सी बैटरी है, बैटरी वन बैटरी टू। इस जहाज में दो बैटरियाँ होती हैं। अब जब आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने एक्सटर्नल पावर लिया, कुछ भी नहीं है तो आपके पास सिर्फ बैटरी है, सिर्फ बैटरी है तो आपके पास 27.9 28.2 वोल्ट है, 25 के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास 25 के ऊपर नहीं है तो राम राम जी की, पैसे वापस करो घर जाओ। अब मैं बैटरी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? हैं क्या हुआ? नहीं है तो मैं बाय मेमोरी कर लूंगा। बताओ वैसे ऐसे पायलट हमारे पास, को पायलट का काम क्या होता है, कैप्टन को चेकलिस्ट दे, कैप्टन को जी हजूरी करे, वो भी नहीं कर सकती। अब मैंने बैटरी ऑन कर दी है और अब मैं करूंगा APU टेस्ट। ये APU आपको बताया था मैंने क्या होता है, तो ये क्या APU टेस्ट हो गया। तो दिस इज अ फायर टेस्ट की मतलब अगर फेलियर होता है तो ये चल रहा है कि नहीं। अब मैं APU स्टार्ट करूंगा, ये मेरा, अरे भाई क्या हो रहा, ये मैंने मास्टर ऑन कर दिया, ठीक है APU मास्टर ऑन, APU ऑन। चलो पीछे आ जा बेटा, अब आप देखेंगे नीचे APU पेज खुल गया है। तो दिस इज़ दी APU पेज, ये देखिए अभी ये चालू हो जाएगा APU। APU क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो वन ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, जो पीछे आप देखते होंगे कभी कभी धुआं निकल रहा है जहाज से, वो APU होता है। तो दिस विल गिव इनफ पावर टू अस, ताकि जब पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं तो उनकी एयर कंडीशनिंग हो सके और इनफ पावर टू पावर टू है तो इनफ पावर। धर्मपत्नी आई थी, कह रही थी स्ट्रीम पे गाली मत दो, मैंने कहा निकल जाती है यार, इंजीनियर हो जाता है, कॉकपिट में भी निकल ही जाती है। तो इंजन स्टार्ट करने के लिए इनफ पावर आती है। देखिए अब APU देख रहे हैं 100% अवेलेबल हो चुका है, APU जनरेटर पर भी 0% लोड है। लोड क्यों है, एक ट्रिक क्वेश्चन बताइए, लोड क्यों 0% है? क्योंकि हम एक्सटर्नल पावर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं कॉकपिट के अंदर, इसको बंद कर देते हैं। अब गाइस अब क्या करेंगे, सबसे बेहतरीन काम हम करेंगे कॉकपिट प्रिपरेशन, दिस इज कॉल्ड कॉकपिट प्रिपरेशन। सिंपल सा फंडा एयरबस का, एयरबस कहता है जितनी भी व्हाइट लाइट दिख रही है ना उसको बंद कर दो, तो हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, व्हाइट लाइट बंद करेंगे। ये बंद कर दी, इसको हम ऑन कर देंगे, दिस इज आर नेविगेशन सिस्टम, ये अलाइन होगा। तो जिनको जिनको पता है इसमें इसमें एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं, तो एयरक्राफ्ट का सेल्फ सस्टेन नेविगेशन सिस्टम है ये। अगर मेरे पास एक्सटर्नल नेविगेशन सारे फेल हो जाएं तब भी मैं सेफ जगह पे लैंडिंग कर सकता हूँ सिर्फ इस सिस्टम के बदौलत। और मेरा जहाज टेढ़ा क्यों हो गया ये? ओए अब दोबारा यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ से मैं चेक करूँगा मेरी लाइटिंग वाइटिंग सब ऑफ है। ये मेरी लाइट्स हैं एयरक्राफ्ट के बाहर की, जितनी भी लाइट्स हैं ना ये मेरी लाइट्स हैं, इसको मैं ऑन करूँगा। अरे चल जा, प्लस आ जा, प्लस आ जा, हाँ ये चला गया ना। तो दिस इज़ दी एमरजेंसी लाइटिंग कैबिन में। अब मेरा APU स्टार्ट हो गया तो मुझे बाहर की पावर नहीं चाहिए। बाहर की पावर कौन सी थी, ये जो बंदा ट्रक लेके खड़ा है ये बाहर की पावर है, इसको मैं भगा दूंगा। चल भग ले यहाँ से, तो ये हो गया बंद, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करा दूंगा। तो यूजली व्हाट आई टेल ग्राउंड इज, तो हम नीचे ना एक इंजीनियर खड़ा रहता है, तो इंजीनियर से हम लोग बात करते रहते हैं। सो दिस इज हाउ आई कॉल हिम एक्चुअली, ग्राउंड कॉकपिट, सो ही विल कॉल मी कॉकपिट ग्राउंड, गो अहेड। सो रिमूव एक्सटर्नल, तो जैसे ही मैं उसको एक कमांड दूंगा वो यहाँ से
हटा देगा। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ट्रक चला गया है ना, वो अपना लेके निकल लिया। तो अब माय एयरक्राफ्ट इज सेल्फ सस्टेन, मतलब मैं अपने एपीयू की पावर लेके एयरक्राफ्ट चला रहा हूँ। और क्या, और मेरे को व्हाइट लाइट्स कौन कौन सी दिख रही है सारी मुझे बुझानी है, ये देखिए ठीक है। सो द फ्लो इज, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, उसके बाद नीचे आके यहाँ से यहाँ जाऊँगा ऊपर। नाउ द मेन थिंग इज दिस इज माई इंजन्स एंड आई विल टेस्ट माई इंजन फायर सिस्टम। सो दोनों इंजन परफेक्ट काम कर रहे हैं, इंजन फायर सिस्टम टेस्ट हो चुका है मेरा। अब मैं दोबारा नीचे आ जाऊँगा यहाँ पे, और मैं ये जो दो बटन्स ऑफ है इसको भी, तो बेसिकली व्हाइट लाइट मैंने सारी बुझा दी। ये देख रहे हैं आप, ये वाइपर है, बारिशों में काम आता है, बिना बारिश के इसको बोलते हैं नहीं चलाना चाहिए, बट क्योंकि हम आज स्टर्ड पायलट हम चलाते हैं। ये देखिए वाइपर चल गया ना, तो ये वाइपर है और इसको फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट चलाना हो। ये देखिए बारिश में मज़ा आता है लैंडिंग करने में। अरे बंद कैसे होगा, बंद हो जा भाई। हाँ अब हम आ जाते हैं नीचे। अब देखिए ये मैप नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि हमारे आईआरएस अलाइन हो रहे हैं। आईआरएस कैसे अलाइन होते हैं वो मैं आपको बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। यहाँ से मुझे इनिट से आई थिंक यहाँ पे बताएगा कितना नैव टीकेस फॉल्ट, बाद में करेंगे इसको। अब गाइज मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये सेटअप कर लूँगा कंस्ट्रेंट ऑन करके, कंस्ट्रेंट ऑन करके। ये मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे एफडी ऑन है ऑफ है, अभी नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये मेन चीज़ है मेरी, अब मैं इसको भरूंगा। सो दिस इज द इनिट पेज, मतलब कहाँ से कहाँ जाऊंगा, वी आई डी पी से वी आई जे पी, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको, यहाँ मैं डाल दूंगा। ये फ्रॉम और टू हो गया ठीक है, और फ्लाइट नंबर फ्लाइंग बीस्ट 01, या मेरा फ्लाइट नंबर आएगा। ऑल्टरनेट मतलब कि अगर मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं जयपुर नहीं जा पाया तो मैं कहाँ जाऊँगा, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो मैं दिल्ली वापस आऊँगा क्योंकि दिल्ली उतना क्लोज है। सो माई ऑल्टरनेट इज दिल्ली ओनली। एंड कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है अभी मैं बाद बताऊँगा आपको। और 25,000 फीट पर हम जाएंगे, क्रूजिंग लेवल 250 ठीक है। ग्राउंड टेम्परेचर कितना, गर्मियों का टाइम है तो मैं 40 डालूंगा, बट ये एक्सेप्ट करता नहीं, कुछ दिक्कत है इसमें, नॉट अलाउड दिखा रहा है। और ये मेरा ट्रोपोपॉज लेवल है, किस लेवल पर ट्रोपोपॉज है ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊँगा फ्लाइट प्लान पे, दिल्ली पे मैं कौन से रनवे से डिपार्ट करूँगा, मैं करूँगा डिपार्ट रनवे 28 से, ये मैंने भर दिया। और मैं लूँगा यहाँ से साबिक डिपार्चर, वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, साबिक डिपार्चर क्या होता है। ये देखिए अभी तो मैप ऑन नहीं हुआ इसका, मैप नॉट अवेलेबल, GPS प्राइमरी लॉस्ट, चलो बाद में आते हैं उसके ऊपर। मैं भर लेता हूँ उसको फटाफट। और अबे एक सेकेंड, लोग सुपर चैट भेज रहे हैं, मुझे दिखे नहीं भाई। भाई 988 सब्सक्राइबर हो गए, 988 के 10,000 12,000 बचे, और उतारूंगा नहीं फ्लाइट सालों में, जिसने अगर नहीं किया तो। ओहो हो 125 1,25,000 के वॉचिंग, भाई पागल हो जाऊंगा मैं आज। अच्छा मैं इस पे चैट खोल लेता हूँ यार, क्योंकि मेरे को सुपर चैट पढ़ने में नहीं आ रही, बोरिंग ओपी। अरे भाई ओ भाई उसको फास्ट फास्ट चलाते हैं, मैं इसको भर लेता हूँ, रुक जाओ अभी टेक ऑफ करते हैं सीधा। दो मिनट दो बस, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म वी आई, क्योंकि बिना इसके उड़ाएंगे तो फिर आप लोग की जान को खतरा है ना, वो तो मैं चाहता नहीं हूँ। दस टन का फ्यूल भरते हैं यहाँ पे ठीक है। टेक ऑफ इट आ गया, एलाइन आईआरएस हो गया, और अल्टरनेट को 0.2। अभी तुम लोग गाली मत दो यार, अगली बार से रेडी करके रखूँगा ठीक है। DIF परफॉर्मेंस, अब मैं स्पीड डाल दूंगा कि मेरी टेक ऑफ स्पीड कितनी है, तो 131 नॉट से ये बस भाई टेक ऑफ करने वाला है, कोई बोरिंग ओपी नहीं लिखेगा, जिसने बोरिंग ओपी लिखा उसकी ऐसी की तैसी। ए बोरिंग ओपी तो नहीं हो रहा ना, सुपर चैट ऑफ है भाई, क्योंकि अभी अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ यार। टेक इट ईजी, नीड सम टाइम टू एडजस्ट, नूब, यस आई एम नूब। हाँ सुपर चैट ऑफ है, अभी हुआ नहीं, नहीं ट्रोल वोल, किसी एयरलाइन को ट्रोल नहीं करेंगे हम, प्लीज़। 20 आर्मी ले जाए, टेक ऑफ करते हैं, बस टेक ऑफ कर रहे हैं भाई, रुक जा। फ्लेक्स 54, फ्लैप 1, स्लैश डाउन 0.2, इसके बिना टेक ऑफ नहीं कर सकते, इतना टाइम लगता ही है। 475, नेक्स्ट फेज, बस हो गया अपना काम, सेकेंडरी फ्लाइट प्लान कॉपी, ये रेडी हो गया हमारा, बिल्कुल रेडी हो गया ये। और अब
यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको। ये अलाइन क्यों नहीं हो रहा? चार हजार फीट लगा दिया यहाँ पे हमने। अभी अलाइन क्यों नहीं हो रहे यार? मेरे को लगता है अपने को पायलट से पूछना पड़ेगा। अभी अलाइन नहीं हो रहा यार। रितुराठी रितुराठी कृपया फॉरेन कॉकपिट में आए बच्चे को छोड़ के, एक दिक्कत आ चुकी है। अलाइन क्यों नहीं हो रहा? आयरस अलाइन नहीं हो रहा अपना है? हाँ डाल दिया ना वीआईडीपी। टेक ऑफ कैसे करेंगे भाई? प्रोग्रेस पेज में भी नहीं हो रहा। अरे कोई पायलट अगर देख रहा तो बताएं इसको। अपडेट है, मैंने डाला ना सब कुछ। अरे आयरस इन आयरस इन, अरे आइलैंड ऑफ रेफरेंस पुराना जहाज है यार ये। कम ऑन यार, अरे तो रहा ठीक है। कम ऑन, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। सो गाइस व्हाट वी वर वेटिंग फॉर, कि एक स्क्रीन हमारी नहीं आ रही थी, ये स्क्रीन आ चुकी है अब। अभी आ जाएगा, जीपीएस में लॉस्ट हो चुका है। और ऊपर अगर आप देखेंगे ये भी अलाइंस फ्लैश हो रहा था, अब हो गया। इट विल ओनली टेक 1 मिनट, तो उसको फटाफट तब तक हम, और इसके बिना हम जहाज को हिला नहीं सकते, क्योंकि अगर इसके बिना जहाज हिलेगा तो पूरा ये फिर से 10 मिनट ले लेगा। सॉरी 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 सॉरी, नूब 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 नूब। वो 128 के वॉचिंग हो चुका है, अभी अलाइन हो चुका है। मैप नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है? एफडी को नहीं दबरी, मुझे लगता है यात्रियों को यही उतारना पड़ेगा आज। यात्री गण अलाइन ऑन रेफरेंस कर चुके हैं हम। आईएएस मॉनिटर, हाँ जीपीएस प्राइमरी, बहुत बढ़िया। एयरक्राफ्ट हमारा तैयार है पुशबैक के लिए, जीपीएस प्राइमरी हो चुका है। तो अभी तक हमारे को पायलट नहीं आए, तो उनको हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? अरे को पायलट आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम योर को पायलट कैप्टन रितु राठी। प्लीज आपकी कुर्सी का कैप्टन, आप खड़े खड़े करेंगे क्या? कुर्सी कहाँ आपकी? मुड्डा लेके अपना मुड्डा लेके आओ। कॉकपिट में आए तो कुर्सी लेके आते नहीं, कमाल है बताओ, है नहीं तो। अरे यार पीछे की ग्रीन स्क्रीन खराब कर देगी, देख लेना। अब जो एफडी ऑन हो गई है, मैं पुशबैक ले रहा हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सब कुछ हो गया है रेडी, एक बार चेक कर लूँ। बेइज्जती नहीं करानी हमने। सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। लेट मी कॉल ग्राउंड टावर। अरे फर्स्ट ऑफिसर आ चुके हैं हमारे, आइए आइए फर्स्ट ऑफिसर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको पहले बंद कर दूँ। ओपी हो जाएगा नहीं तो। ओबीएस कहाँ गया? यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गई। ओए फर्स्ट ऑफिसर आ गए, जाओ। फर्स्ट ऑफिसर कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गिव मी अ पुच्ची फर्स्ट, गिव मी अ पुच्ची फर्स्ट। अरे उसके बिना मैं जहाज नहीं चढ़ाऊंगा। आ जाओ आ जाओ, देख रहे हो ना? हाँ तो तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। वी हैव टू पुट दिस माइक, अदरवाइज ये वाला माइक लगाएं क्या? गाइस एक बार बताओ, रितु की आवाज आ रही है कि नहीं दूर से? प्लीज बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं? चलो कोई नहीं, हम लेट हो रहे हैं भाई, पीछे गालियां पड़ रही हैं अपने को, रुक जाओ। नहीं अरे यार अच्छा है, सब अच्छा है, रुक जाओ। कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग पुशबैक लेते हैं, ठीक है? पुशबैक लेना, पुशबैक मांग, पुशबैक मांग, चल। अच्छा मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, मेरे पास है माइक, मेरे पास है। अच्छा सो अब्दुल सर रेडी? अब्दुल सर रेडी? ऐसा दो है, ओके बढ़िया, 001 ओके। दिल्ली डिलीवरी फ्लाइंग बीस्ट 001 इज रेडी फॉर पुशबैक, रिक्वेस्ट चेंज ओवर टू ग्राउंड। Flying Beast 001, sir, you are ready to copy clearance. Go ahead, sir. Flying Beast 001, clear destination Jaipur as filed. Climb via Sabak departure, departure runway 28. Climb initially 4000 feet. After departure, contact departure on 125.5, squawk 3320. Roger, clear to Jaipur, runway 28, Sabak departure, and 4000 feet initially. Can you say again the squawk, please? Squawk for use 3320. 33, hold on sir, I am a noob. 3320 flying for the first time sir, I hope you understand sir. 3320 squawk is set, 4000 altitude is set. एनु की मौत पे ही है। हाँ
ओके ऑलरेडी तो अपना क्या है? वो पार्किंग ब्रेक नोज व्हील डिसेंट डिसेंट में है ना, अब हम क्या करें वो नहीं है तो चल छोड़। फ्लाइंग बेस 001 पुश एंड स्टार्ट अप्रोच फेसिंग साउथ वेस्ट। पुश एंड स्टार्ट फेसिंग साउथ वेस्ट फ्लाइंग बीस 001। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से करेंगे पार्किंग ब्रेक ऑफ। पार्किंग ब्रेक ऑफ हो गई है, अब हमारा जहाज चलना शुरू करेगा। अरे लेकिन एक दिक्कत हो गई यार, पुशबैक कैसे करते हैं मुझे पता नहीं है, रुक जाओ देखना पड़ेगा। हाँ आगे आगे, डोंट वरी डोंट वरी, ये हमारा जहाज खड़ा। पुशबैक कहाँ से होगा, टो ट्रक ही नहीं है, अब क्या करें। ओके नो प्रॉब्लम गाइज, वी आर नूब नूब वी आर न्यू पायलट्स नाउ, वी डोंट नो वॉट टू डू नाउ, वी आर स्टक। यात्रीगण से कृपया अनुरोध है, अगर किसी को यात्रा ना आते प्लीज कॉकपिट में आए, प्लीज थोड़ी सर कंट्रोल शिफ्ट जी फॉर ग्राउंड सर्विस। शिफ्ट जी, थैंक यू एटीसी, थैंक यू, यू आर सो नाइस। ओके ग्राउंड सर्विस ग्राउंड सर्विस ग्राउंड सर्विस ग्राउंड सर्विस। ओके पुश कार्ट ऑन द वे। ओ नाउ पुश कार्ट इज कमिंग, रिक्वेस्ट ग्राउंड सर्विस। एटीसी यू आर अ बेटर पायलट देन मी सर, थैंक यू सो मच। Okay, I'll send the trucks. हैं? हाँ तो तू नहीं चला पाएगी तभी तो तू वो यूट्यूबर नहीं है। अरे बहुत देर, हाँ आ गया आ गया, नहीं तो फ्यूल ट्रक है। All right, service is on the way. Sending push cart now. प्लीज लेंड द पुश कार्ट फटाफट सर, वी आर वेटिंग। ओह पुश कार्ट आ गया, बहुत बढ़िया, ये देखिए सक्सेस पे सक्सेस हुई जा रही है हमारे चैनल पे गाइस। इतनी बुलंदियां तो हमें नहीं लगता कि पहली स्ट्रीम में कुछ हो पाएगा। ये देखिए पुश कार्ट हमारा आ गया है, और इसने देखिए अब ये बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अब इसको पुश करेगा ये, और पुश बैक करते हुए इसको मैं पुश बैक करवाऊंगा। रुक जाओ अब मैं ये देखो कैसा कराता हूँ, रुक जाओ, और इतनी दूर का चला गया भाई। हियर वी गो। ओके सर प्लीज थैंक यू सो मच। सो नाउ वी आर पुशिंग बैक गाइस, तालियां हो जाए एक बार, फ्लाइंग बीस्ट ओपी हो जाए, फ्लाइंग बीस्ट ओपी, गजब ओपी, दैट्स वेरी ओपी, 140 140 के वाचिंग ओपी। नाउ आई वांट अ हग फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच गाइस, आई एम सो हैप्पी टुडे। अरे एक बार कंप्लेन हो गई पता है तेरे को, ये सीन हो गया था एक बार। अब तो कभी लाइव बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, क्योंकि वैसे ही आजकल यू पे द फ्यूल बिल। हां यस यस आई पेड द फ्यूल बिल सर। कम ओवर, वेट, डोंट गो डोंट गो डोंट गो, अरे डोंट गो अवे। अरे वो चला गया, पुश कार्ट कमिंग, पुश कार्ट कमिंग कमिंग कमिंग, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, वो लेफ्ट लेफ्ट घुमाएगा राइट घुमाएगा, राइट 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 राइट, तो वी आर टैक्सी विज दिस साइड ना। ओके आई विल सेंड द पुश कार्ट। प्लीज सर यू आर वेरी लेट सर, पूरा पैसा लेते हैं आप। एक्सप्लेन करूंगी कैसे, इन्होंने इतना गंदा एक्सप्लेन किया ना कि मेरे को लगा कि मैं आई हूं। अच्छा इसलिए आए हैं आप, नहीं तो आप डोंट वरी इट विल बी ओपी। हियर वी गो। कम सर, अगर मैं कैप्टन होता ना आपके। अरे रुक जा, तू तो कप्तान होती तो जहाज इतना बढ़िया जहाज चल रहा है देख। हां पीछे वो टक्कर मारता। देखो गाइज अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है पुशबैक में तो वो पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैं ऐसे okay, safe travels. मैं ऐसे खुद ही घुमा लूंगा, रैन सर लेन लीजिए, मैं खुद ही घुमा लूंगा ऐसे। एक सेकेंड मुझे यहाँ से राइट लेना होगा ना, मैं राइट जाऊंगा ना यहाँ से। ओके okay, इसको भगा लेता हूँ। ग्राउंड फ्लाइंग बी 001। Go ahead, flying bee 001. Flying bee 001 is ready for taxi, sir. Oh, sorry. Flying bee. No, sir, we are not ready for taxi. Hold on, sir. Our engines are now started. One second, sir. I'm a noob, sir. First time flying, sir. Hold on, hold on, hold on. So, guys, we will start our engines now. अबे रुक जा रे यार. अबे रुक जा. APU bleed. Bleed on करने दे. रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा. अब मैं इंजन स्टार्ट करूंगा गाइस, इंजन स्टार्ट हो गए हमारे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन पेज आ चुका है। अरे फ्लाइंग बीस्ट ओपी हो गया भाई एक बार गाइस, ऋतु राठी ओपी हो जाए एक बार, ऋतु राठी ओपी, ऋतु राठी ओपी कर दो जब तक इंजन स्टार्ट होता है। फ्लाइंग बीस्ट ओपी हो चुका है चैट में, एटीसी को पायलट दे दो। सर एटीसी आपसे ज्यादा अच्छा उड़ाता है। कैप्टन रसभरी ओपी, रसभरी ओपी, रसभरी ओपी, इंजन स्टार्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका? मैं नंबर वन ही करता हूँ। ए हो क्यों नहीं रहा, इंजन को नहीं स्टार्ट हो रहा, इंजन को नहीं स्टार्ट हो रहा हमारा। हाँ देखना
एपी ऑन है, एपी ऑन है। एपी ऑन है, ब्लीड ऑन है। अरे डमी पूरा दोपहर में खेला था, चल रहा था यार। अच्छा मे बी ओके, वी विल नॉट स्टार्ट इंजन वन, सॉरी गाइस, वी विल स्टार्ट इंजन टू देन। हो सकता है कि इसमें वो सॉफ्टवेयर में हो। हो रहा है, ओके, इंजन नंबर टू स्टार्टिंग, ओपी, इंजन नंबर टू ओपी गाइस, इंजन नंबर टू ओपी। रितु ओपी, रितु ओपी हो गया चैट में भाई, रितु ओपी हो गया। सब्सक्राइबर्स कितने हो गए? ओपी क्या होता है मुझे बताओ, ओपी क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम 991, ओनली 9000 रिक्वायर्ड फॉर मिलियन ओपी। सुपर चैट रेस्ट इन पीस। पार्किंग ब्रेक लगा दी, पार्किंग ब्रेक लगाइए, वो लगा दें। एक सेकंड गाइस, होल्ड ऑन, हम माइक चेंज कर रहे हैं अपना। आई एम चेंजिंग माई माइक गाइस सो दैट रितु कैन ऑल्सो ज्वाइन इन, ताकि उसकी भी आवाज़ सुन सके और वॉट शी हैज़ टू से। ए अपना माइक कहाँ गया? ब्लू गेटी वाला, ये रहा ये रहा ये रहा, इसको मैं कर देता हूँ मास्टर। हेलो 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 हेलो, गाइस साउंड आ रही कि नहीं आ रही? साउंड आ रही कि नहीं आ रही? नो साउंड, नो साउंड, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। हमने साउंड माइक चेंज किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर को भी चूल हो रही थी, वो भी जहाज में अपना योगदान देंगे। मैंने कहा कप्तान कप्तान होता फर्स्ट ऑफिसर, फर्स्ट ऑफ। इंजन दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, साउंड आ गई, साउंड आ गई, साउंड आ गई। साउंड आएगी तभी मैं जहाज आगे चलाऊंगा। ये क्या हो रहा है? प्लीज़ गौरव सर वॉइस लाओ, देखो बताओ बताओ, साउंड लाओ, साउंड लाओ। ए तुम फर्स्ट ऑफिसर जहाँ देखो साउंड आ रही कि नहीं, जहाज छोड़ो, जहाज मैं चला लूँगा। आ गई आ गई, साउंड आ गई, साउंड आ गई। यस 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 यस, ओके ओके ओके, आ जाओ। आफ्टर स्टार्ट प्रोसीजर कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर स्टार्ट प्रोसीजर ये हो गया। तुम्हारा फ्लोस, मेरे फ्लोस क्या होता आफ्टर स्टार्ट के? आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट, एपी बंद कर देंगे। तो वी हैव शट डाउन दी एक्सटर्नल एपीयू क्योंकि हमारे पास इंजन आ चुके हैं। ओके, आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट कैप्टन, मन से बोलो, मन से बोलो। एपीयू ब्लीड ऑफ, एपीयू ऑफ। गाइस एक्चुअली 4 महीने हो चुके हैं जहाज उड़ाए हुए, तो थोड़ा सा हाथ तंग है हमारा, हाथ तंग है। सुपर चैट ऑफ, ओके, नाउ विल रिक्वायर ग्राउंड फ्लाइंग बी 001 रिक्वेस्ट टैक्सी। फ्लाइंग बी 001 और टैक्सी वाया अल्फा चार्ली एंड होल्ड शॉट शॉट चार्ली आफ्टर रनवे 28। अल्फा चार्ली होल्ड शॉट रनवे 28 फ्लाइंग बी 001। चलो, जय माता दी, जो बोले सो निहाल, जय करण शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि हम लोग न्यू पायलट है, जहाज पहली बार चला रहे ना। चलो पार्किंग ब्रेक ऑफ कर दिया है गाइस, जहाज हमारा चलना शुरू हो गया है। क्यों नहीं हुआ है? जहाज चलना चाहिए ना, जहाज क्यों नहीं चल रहा है? धुआं पीछे, धुआं तो इतना आ रहा है। अरे तुमने सर्विसिंग नहीं कराई जहाज की अपने? कोई बात नहीं, इसको हम, कोई बात नहीं। फ्लाइंग बेस 001 लोकल क्यूएनएचएस 1000 कॉपीड सर, कॉपीड।
जहाज चल चुका हमारा, हमें राइट लेना ना गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है जहाज चलाते हुए। यहाँ पे आप स्लोप है यहाँ पे, इसलिए अरे जहाज मुड़ नहीं रहा यार, ओपी हो गया तो स्टैंड पे वापस जा रहे हम। रुक जा गाइस, खतरनाक बेइज्जती हो रही है भाई। अरे ये दिस शुड बी इन द सेंटर यार, ये पहले हम क्यों ना सेट कर ले, रुक जाओ क्यों ना सेट कर ले पहले, क्योंकि जब कुछ होता नहीं तो यही कर ले ताकि लोगों को लगे हमें कुछ आता है। मैक्स करो साले को। हाँ सीट बेल्ट ऑन करी नहीं है, पीछे पैसेंजर घूम रहे हैं आपके। हाँ ये गाइस ये सीट बेल्ट यहाँ से ऑन करते हैं, ये हो गई और टैक्सी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। ये तो रनवे टर्न ऑफ कर देते हैं, इसको इसको ऑन कर देते हैं ठीक है ना। और बीकन ऑन किया नहीं पहले ही, बिफोर स्टार्ट चेकलिस्ट करी नहीं आपने। नैव लोगों भी ऑन नहीं है आपका, तो कुछ ऑन नहीं है, ऐसे ही जहाज लेके चल दिए जैसे स्कूटर चला रहे हैं। वाह मार दो किक मारी और इंजन स्टार्ट हो चुका है। ये साइड में क्यों आ रहा नहीं पता है, कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि एक सेकेंड दिक्कत पता है क्या है, ये साइड में आ रहा है प्लस साइन, इट शुड नॉट बी एट द साइड। चलो चले गाइस, पावर डाल दी हमने, यही से टेक ऑफ कर लें क्या? ग्राउंड फ्लाइंग बी 001 गो हेड फ्लाइंग बी 001 सर, हमारा जहाज टर्न नहीं हो रहा लेफ्ट राइट, कैन यू गाइड अस कि हाउ टू टर्न दिस एयरक्राफ्ट लेफ्ट राइट सर? शैल आई कंफर्म दैट यू आर हैविंग अ जॉयस्टिक? वी डोंट हैव जॉयस्टिक राइट नाउ, वी आर रनिंग फ्रॉम माउस। Negative, we can't able to move with mouse. Try to turn the rudder, the 5, 6 and 7 for the rudder. 5 is for turn right and okay. 7 is for... Thank you, ground. Din mein chal raha tha yaar. Nahi, 5, 6 kaam nahi kar raha sir. भाई रुक जा, पीछे जा पीछे जा भाई, तो वापस वहीं पे आ गए। भाई क्या कर रहे हैं हम भाई, ये चल क्यों नहीं रहा अपना, रुक जा गाइस, इतनी घड़ी बेइज्जती हो चुकी है मेरे 140 के वॉचिंग है। एक यार ये सॉफ्ट, किसी को तेरी आवाज आ नहीं रही है, किसी को तेरी आवाज आ नहीं रही है। जॉयस्टिक से कीबोर्ड 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 कीबोर्ड, यहाँ 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 ग्राउंड, इट वाज वर्किंग ड्यूरिंग द डे टाइम बट व्हाई इज इट नॉट वर्किंग टुडे राइट नाउ सर? आई थिंक देयर इज सम चेंजेस इन कीबोर्ड सेटिंग। कीबोर्ड सेटिंग में चेंज नहीं हुआ बट मॉनिटर सेटिंग में चेंज हुआ, मॉनिटर हमने चेंज किया था। प्लीज गो टू द कीबोर्ड सेटिंग एंड यू कैन फाइंड द रोटर्स और स्टीयरिंग व्हील। माउस सेटिंग है क्या? माउस सेटिंग एटीसी इंजन स्लाइड फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल बेसिक बेसिक। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। सो यू कैन सर्च फॉर द कमेंट्स। अरे कमेंट में लोग लिख रहे हैं क्या, कैसे करते हैं? बताओ भाई पैसेंजर्स कैसे कैसे चलाना जहाज, ऑल्ट प्लस F4 कह रहा है कोई। गौरव भैया ओपी हो चुके हैं, पूरी पोपट ऋतु भाभी सब होगा, ऋतु साउंड डाउन घनी बेइज्जती। हाँ भाई हो चुकी घनी बेइज्जती। यार ये माउस सही चलता था यार, ग्राउंड फ्लाइंग बी 001 सर, वी हैव सम टेक्निकल फॉल्ट, वी लाइक टू होल्ड पोजीशन फॉर 10 मिनट्स प्लीज। रोजर सर होल्ड पोजीशन अप्रोच। अबे मैं काम करता हूँ, रुक जा गाइस, इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता मैं यहाँ से चला लूंगा। देख रहे हो ये, देखो ये देख रहे हो, मैं यहाँ से चला लूंगा, क्या बात क्या हो गया मोटे? मैं बेइज्जती नहीं करा रहा बट मैंने दिन में चलाया था, दिन में ये चल रहा था यहाँ से यार क्लिक करके।
ये देख अभी देख रेडर्स नहीं चल रहे। हमारी जॉयस्टिक आ रही है अगले हफ्ते, तो तब मैं जान जुड़ा के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अबे जॉयस्टिक गाइस आनी आज ही थी बट ये चल क्यों नहीं रहा यार। गाइस गिव मी, अरे लाइव में यही पोपट होता है यार, रुक जा यहाँ से कुछ होगा यार। तू कमेंट्स पढ़, कमेंट्स में शायद कोई बता दे कैसे चलाना। गाइस प्लीज बता दो, ऑल्ट F4 रुक जाओ। अबे क्विट लोग कह रहे क्विट करो यार एक्चुअली मैं चलाऊंगा, रहने दे मैं चलाऊंगा। बेटा कुछ दिक्कत है, रुक जा चलता है बेटा, माउस से चलता है, रुक जाओ। सो अरे मैं एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ ग्राउंड। यस सर, आई एम जस्ट पुटिंग माय सेल्फ डायरेक्टली ऑन द रनवे। रोजर सर, बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन सर। सर रिपोर्ट बैंड रेडी फॉर डिपैचर। श्योर श्योर श्योर, सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज। कितनी बेइज्जती हो गई यार, शिट। सॉरी गाइस, अब हम डायरेक्टली रनवे पे जा रहे हैं क्योंकि भाई क्या करें यार, कंट्रोल्स नहीं चल रहे भाई। 136 के वाचिंग है, लोगों ने छोड़ दिया चैट हमारा, सॉरी 993, 7000 चाहिए, मैं मिलियन करा के जाऊंगा। फ्लाइट फ्लाइट प्लान वाइट प्लान छोड़ो, डायरेक्ट रनवे पे आ चुके हैं हम लोग। ये कर देते हैं इसको फटाफट। 01 दिल्ली से जाएंगे VIJP और 250 करेंगे 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 करें। अब बस मैं ऐसा जहाज उड़ाऊंगा ना, अब मैं जहाज उड़ा के दिखाता हूँ तुम लोग कैसे उड़ाते हैं, कि बिना कुछ आए हुए भी कैसे उड़ा सकते हैं जहाज। ठीक है, हो गया, फाइल कर दिया। ओके, मैं जिस पे जाऊंगा उस पे जाऊंगा, रहने दे इसके। तो 250 हो गया ना, होल्ड इट, होल्ड द ड्रिंक। मैं फटाफट जहाज चालू करूंगा, ये देखो टक टक, ये मुझे भी नहीं पता था। अरे वी हैव टू रिज्यूम द लास्ट फ्लाइट ओनली ना, ये हो जाएगा फटाफट होएगा। देखो अभी APU चालू करूंगा, बैटरी ऑन है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फटाफट जैसे जब टेक ऑफ करते हैं ना, जब पायलट लेट हो जाता है और उसको फटाफट टेक ऑफ करना होता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी करके बताऊंगा कैसे करते हैं जल्दी। ऊपर का सारा काम मेरा हो गया, सब हो गया, देख ले चेक कर ले, हो गया ना सब कुछ। यहाँ बनाओ फटाफट, इसको डेली 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 जयपुर करते हैं फटाफट। ए ए ए ए जा रहा है, अबे यार को पायलट निकल लिए बीच में। अ फ्लाइंग बेस 001 गुड सर। सर रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट विद द इंजन स्टार्ट, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम द सेम प्लेस यू कैन स्टार्ट। अच्छा हां, आई कैन डू विद इंजन स्टार्ट आल्सो ना सर, तो वापस क्विट करूं क्या इसको? नो सर, यू कैन गो टू द मेनू एंड यू कैन चेंज द इंजन स्टार्ट एंड यू कैन रीस्टार्ट दैट। आई कैन गो टू द मेनू, हाउ टू गो टू द मेनू? देयर विल बी एन एरोप्लेन आइकॉन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। गॉट इट सर, बट वो आई नीड ऑप्शन इंजन स्टार्ट वाला। यू कैन गो एंड कस्टमाइज द एयरक्राफ्ट एंड देयर विल बी अ चेक बॉक्स बीनीथ इट, यू कैन स्टार्ट विद इंजन्स। गॉट इट, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू ATC। तो गाइस अब जो है सब कुछ स्टार्ट मिलेगा अपने को, सिर्फ टेक ऑफ करना है अपने को, अब कुछ नहीं करना। सॉरी इतनी बेइज्जती कराने के लिए, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रीम। देखो अब सब स्टार्ट होगा, देखो सब स्टार्ट है अब। On runway 28. Okay, ma'am. Thank you so much. Everything is okay. बस सब कुछ स्टार्ट है, इंजन अपने दोनों स्टार्ट हैं, फ्लैप वन पोजीशन में है। ओके, पार्किंग ब्रेक ऑन। ओके, दिल्ली दिल्ली 01। टार विल जस्ट डू सम सेक्टर फ्लाइंग एंड देन विल कम फॉर अप्रोच ऑन रनवे 28 ओनली। रोजर सर, you're cleared for a VFR or local circuit, climb and maintain circuit altitude. ठीक है. Left downwind. नहीं, we will climb, we'll do some pattern work and then we'll come back. Roger sir, noted.
ओके वी विल क्लाइम टू 5000 इनिशियली. चलो गाइस अभी दिखा देता हूँ आपको, हम लोग रनवे पे हैं. स्पीड डाल दूंगा. सो दिस इज आर रनवे. ये पूरा रनवे है अपना. थोड़ी ग्राफिक्स अपने वीक हैं इस समय. 8 ऑन रनवे 28. चलो भाई हो गया अपना काम समाप्त पूरा. बस सब कुछ सेट है. अब सिर्फ टेक ऑफ करना है. टेक ऑफ पेज परफॉर्मेंस पेज लगा चुका हूँ मैं. टेक ऑफ कॉन्फ़िग टेस्ट कर लेता हूँ. एवरीथिंग इज ओके. ओहो खुल गया. अरे एक टेबल खुल गया अपना. चेकलिस्ट मिल गई रितु. चेकलिस्ट मिल गई. ये देखो ये रखी हुई है. ये बंद कैसे होगा. ये देखो स्टिक भी चल गई. ये देखो यहीं से टेक ऑफ करेंगे अब हम. टावर फ्लाइंग बी 001 आर वी क्लियर फॉर टेक ऑफ. फ्लाइंग बी 001 विंड्स सरफेस विंड्स फ्रॉम 320 डिग्री सर 3 नॉट्स रनवे 2 एट क्लियर फॉर टेक ऑफ. ओके क्लियर फॉर टेक ऑफ फ्लाइंग बी 001. सो गाइस अब सही में जयकारा लगाते हैं और इसको पार्किंग ब्रेक ऑफ और थ्रस्ट लीवर्स को डालते हैं. चलो टेक ऑफ. अरे मास्टर वार्निंग आ गई यार. थ्रस्ट लीवर नॉट सेट. पहले पहले मिले. अरे साला अबे ये लेफ्ट क्यों जा रहा है. ये अबे लेफ्ट में जा रहा है जहाज मेरा. कॉशन ऑन टैक्सीवे ऑन टैक्सीवे. ये ले क्रैश हो गया. फुल पावर डाल दी मैंने. मैं यहीं से टेक ऑफ कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता. मैंने उठा दिया जहाज. स्टॉल भी हो जाएगा. ऑटो पायलट ले रहा. ऑटो पायलट ऑटो पायलट ऑटो पायलट भी नहीं आ रहा. ले तो का लॉक लग गया भाई. तो यार पीछे जो बैठे हैं अपनी जान की खुद ही रक्षा कर ले भाई. अल्फा फ्लोर आ गया भाई. ले अल्फा फ्लोर आ गया. ले अब आया क्लाइम डिटेंट पे. अब चलेगा जहाज अपना. ऑटो थ्रस्ट लगाया. फिर से अल्फा फ्लोर आ गया. जिसको अल्फा फ्लोर से बाहर निकलने तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या भाई यार. एक्चुअली इस समय क्या हो रहा है. इस समय कॉकपिट में बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है. मतलब ये जहाज कुछ ही देर में क्रैश भी हो सकता है. लेकिन आप देख रहे हैं मैं कितना कूल और काम बैठा हूँ कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा. क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं. मैं ओ चल गया चल गया चल गया. कंट्रोल चल गया. फिगर आउट हाउ टू डू इट. नाउ यू विल सी आई विल फ्लाई. नाउ यू विल सी गाइस ऑल्टीट्यूड कैसे. वी आर एट 35,000 फीट क्लाइंबिंग. डोंट वरी. अल्फा फ्लोर आ गया ना. इसको बाहर निकल अल्फा फ्लोर से. अब बस अब अल्फा फ्लोर से बाहर आ गया. देखो मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है. देख रो मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना. अब मैं मचा दूंगा गाइस. ऑटो पायलट आ गया. अब सब कुछ सही हो जाएगा. जैसे ये ऐसे ऊपर जाएगा मैं फ्लैप जीरो करूंगा. ये मैंने फ्लैप जीरो करे. अबे चल यार. बस अब मैं अपनी स्पीड स्टेबलाइज करूंगा. स्पीड मेरी मैंने ऑटो थ्रस्ट ऑन. स्पीड स्पीड ऑल स्टार. अब सब कुछ ठीक होगा गाइस. अब चिंता की बात नहीं है. बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली हमने. अब ये फ्लाइट सबसे अच्छी जाएगी. एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. कैप्टन गौरव सनेजा इन कमांड. बस मैं आपको एक लैंडिंग दिखा दूं फिर हम ये स्ट्रीम एंड कर देंगे. बस एक लैंडिंग जरूरी है. है ओ लैंडिंग है तो अप ली नहीं हमने. लैंडिंग है. अब सब बढ़िया. नाउ यू कैन रिलैक्स. आई एम गोना पुट द सीट बेल्ट साइंस ऑफ. यू कैन यूज द वॉशरूम एंड वी विल स्टार्ट शॉर्टली आर सर्विस. सो फकिंग लाउड. वन सेकेंड. मच बेटर गाइस. थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए. तो साउंड बहुत ज़्यादा था. ओह मच बेटर मच क्वाइटर.
सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है. टार फ्लाइंग बी 001, कैन यू गिव अस वेक्टर्स फॉर आईएलएस अप्रोच रनवे 28? Flying this 001, say your current heading. Sir, currently I'm on a heading of 045 and maintaining altitude 5000 feet. Flying this 001, turn right heading 180. Turn right heading 180, flying base 0, right heading 180, flying base 001. So guys, हम लोग अभी right turn कर रहे हैं, heading 180 मैंने set कर दिया यहाँ पे. और आप ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारे आए. अब चला है सिमुलेटर भाई, सॉरी पहला स्ट्रीम था, थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, बट नाउ यू सी व्हाट अ लवली पास आई विल शो यू. बगल से छूते हुए और ये व्लॉगिंग कैमरा लेते हुए फ्लाइंग बीस्ट और ये व्लॉग करते हुए जहाज के अंदर, जहाज के बाहर सॉरी, क्या बढ़िया पास गया. तो दिस इज आवर एयरक्राफ्ट, रायनेयर है, यूरोप की एयरलाइंस, मैंने इसको इंडिया में चला दिया. देख रहे हो कितना पैसा अपने पास, कोई कमी नहीं पैसे की. एक सेकेंड, बहुत लोग के 994, 6000 बचे हैं और वॉचिंग कितनी आ रही है अपनी भाई. इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी अगर 136 के लोग देख रहे हैं और 1,00,000 लाइक्स पूरे हो गए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. अब आपको एक बेहतरीन सी पप्पी वाली लैंडिंग दिखाऊंगा मैं और दिखाऊंगा कि क्या. तो दिल्ली जयपुर नहीं जा रहे क्योंकि टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो गया, अगली बार इसको और अच्छे से करेंगे. और इसकी जो सुपर चैट्स चल रही हैं, सुपर चैट्स हमें रिएक्टिव नहीं है अभी, बट डोंट वरी, मेडे 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 कॉल नहीं होगा भाई, रुक जाओ अभी सब कुछ ठीक है. फर्स्ट स्ट्रीम वी आर नॉट डूइंग एनी मेडे कॉल. और एक पर्चा आ गया है, समझ में नहीं आ रहा. हाँ तो ऑब्वियसली वो तो है, वो तो फन के लिए कर ही रहे हैं. अब हम वापस कॉकपिट के अंदर चलते हैं एंड आपको मैं थोड़ी और कलाबाजियाँ दिखाता हूँ. टी कैश इज स्टैंड बाय, टी कैश को ऑन कर देते हैं यहाँ से. टी कैश ऑन हो जा बेटा. सो ये टी कैश होता है कि आपके अगल बगल कोई भी एयरक्राफ्ट हो तो आपको पता चल जाए कि कौन सा एयरक्राफ्ट है. मीन वाइल वॉट आई विल डू इज़ आई विल प्रिपेयर फॉर लैंडिंग इन दिल्ली. सो जब आप लैंडिंग के लिए जाते हैं आपको कुछ नहीं करना होता, एक्टिवेट अप्रोच फेस पहले करना होता है, ये मैंने कर दिया. उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने एक्टिवेट अप्रोच फेस किया मेरा स्पीड कम हो जाएगा. आप देख रहे हैं 136 इज माई टारगेट स्पीड क्योंकि ये लैंडिंग स्पीड में आना शुरू कर देगा. बट मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि लैंडिंग स्पीड में आए, तो मैं यहाँ से स्पीड पुल कर लूँगा. पुल हो जा. 241 इज द स्पीड विच आई वॉन्ट टू मेंटेन राइट नाउ. आई एम क्रूजिंग एट 5000 फीट, मेरी हेडिंग 180 है, मतलब साउथ की ओर जा रहा हूँ मैं. अगर आपको देखना है और कि मैप, ये देखिए ये मैप है मेरा, इसको मैं अगर प्लान मोड में डाल दूँ, ये देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट है, यहाँ पे आसपास ही हूँ मैं. ये आपको तो समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा आर्क मोड कर देता हूँ. आ जा आ जा आ जा आ जा. ओके एंड नाउ आई एम गोना प्रिपेयर, इसको डिसार्म कर देता हूँ लैंडिंग के लिए. लैंडिंग पे मैं परफॉर्मेंस पेज टावर रेडना फ्लाइंग बीस्ट 001 रिक्वेस्ट क्यू एन एच प्लीज. फ्लाइंग बीस्ट 001 क्यू एन एच 1001 1001, thank you. And can you give me the weather also, please? Stand by, flying base 001. Flying base 001, ready to copy the weather. Go ahead, sir. Flying base 001, winds from 3 to 0 degrees or 3 knots. Visibility is 3000. Copy. Climate condition haze. Few at 10,000 feet. Temperature 29, dew point 23, QNH 1001, no significant changes. Copy sir, QNH 1001, flying B 001. अच्छा जो मेरे लोग देख रहे हैं ऐसे config 3 flap full या flap 3 landing करते हैं वो यहाँ से करते हैं. अगर मैं यहाँ flap 3 select करूँगा तो flap 3 landing करनी होगी, अगर यहाँ flap full करूँगा तो flap full, अगर मैं कुछ select नहीं करता तो aircraft assumes that I am going in flap full. वो देख गया सामने तो बता दिया. Flight plan में यहाँ पे मैं Delhi arrival ऑलरेडी ILS runway 28 सेलेक्टेड है, इंसर्ट डायरेक्ट टू ले लूँगा मैं. सो नाउ आई विल पुल दिस. अब देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको गाइस, ये वाली ये जो लाइन दिख रही है ना, हमारा रनवे इस डायरेक्शन में है बट हम अभी जा रहे हैं 180. सो
दी ए टी सी विल गिव मी हेडिंग्स कि मैं कैसे टर्न करूँ और मुझे इस लाइन के अलॉन्ग फ्लाई करना होगा, वो मैं भी करूँगा, बट मैं थोड़ा सा एयरक्राफ्ट प्रिपरेशन कर लूँ और ओके 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 सो दिस इज़ द डेली का फ्रीक्वेंसी डेल्टा पापा नवंबर डेली साइन कर देता हूँ मैं। इंडिया आई पी एल एम मतलब कि सेट हो चुका है डेली की फ्रीक्वेंसी और मैं यहाँ पे वी आई डी पी रनवे टू वे डाल देता हूँ। सो दिस विल ऑलवेज गिव मी कि मैं डेली के रनवे से कितना दूर हूँ। सो राइट नाउ इट इज शोइंग मी कि मैं 14 माइल दूर हूँ डेली के रनवे से। ये पेज मैंने सेट कर दिया था, फ्लैपफुल लैंडिंग कर रहे हैं अपन, ये पूरा सेट है, ये सेट है। अपने पास फ्यूल इस समय कितना है, आपको फ्यूल यहाँ से दिख जाएगा, एक सेकेंड, 9480 किलो जितना फ्यूल है, बहुत फ्यूल अपने पास, कोई टेंशन नहीं अपने को। लैंडिंग लाइट्स ऑन रहने देते हैं, वैसे तो ऑफ होनी चाहिए इस समय, और सेकेंडरी को हम कॉपी एक्टिव कर लेते हैं। तो हम लोग अभी अप्रोच के लिए रेडी है। टारगेट फ्लाइंग बी 001, वी आर रेडी फॉर द अप्रोच। Flying base 001, you're cleared for ILS approach runway 28, report established. Okay, Roger. This is, should I intercept on this heading or will you give me a heading, sir? Sir, negative, sir. You can follow AFMS. Okay, okay. Thik hai. Thank you, thank you. Okay, I think I have to turn right. So, ek right turn lagayenge yahan pe. सो गाइज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम सेल्फ वेक्टरिंग माई सेल्फ। जो लाइन देख रहे हैं ना पीछे की साइड है मेरा रनवे, तो मैं अभी हेडिंग 120 पे रोल करता हूँ, 120 पे रुक जाऊँगा। ये मैंने लगा दी और क्या हो गया, ये यहाँ रुक जाता हूँ मैं। और बाहर का व्यू देखते हैं, ये देखिए जा रहा है। मुझे यहाँ से क्या करना है, अभी यहाँ से मेरे को मारना है एक लेफ्ट टर्न, ये देख रहे हो, ये यहाँ से एक लेफ्ट टर्न मारूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे आऊँगा मैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, एक बार मेरा डिस्टेंस चेक कर लेता हूँ मैं, मेरे रेडियो नैप पे जाओ। सो दिल्ली से मैं 22 माइल हूँ, गुड इनफ, आई एम स्टार्टिंग माई टर्न। ये देखिए यहाँ टर्न मेरा, तो रनवे मेरा कहीं यहाँ पे है, देख रहे हो, अभी मैं लेफ्ट मारूंगा, फिर दोबारा लेफ्ट मारूंगा, देन आई बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दी आईएलएस रनवे 28 इन दिल्ली। कितनी वॉचिंग है, 91 के वॉचिंग है, ऑब्वियसली लोग तो बोर हो ही जाएंगे, इतना घटिया परफॉर्मेंस दिया हमने, बट इट वॉज मोस्टली फॉर फन, आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कैसे चलता है ये सिम। ये देखिए यहाँ से बेहतरीन टर्न दिखेगा आपको। ओह क्या निकला है जहाज, ये कहाँ पे आ गए, सॉरी। तो दिस इज आवर फ्लाइट और अभी हम लोग सीरा सीरा ब्रावो के पास आ चुके हैं। सीरा सीरा ब्रावो से एक और टर्न मारना पड़ेगा और मैं स्टार्ट। टार रेड नाइट 001 कंफर्म वी आर क्लियर डिसेंट 2600 फीट। फ्लाइंग बी 001 सर, यू आर क्लियर्ड फॉर आईएलएस अप्रोच, यू कैन डिसेंट टू फाइनल अप्रोच अल्टीट्यूड। रोजर सर। सो मैंने ऐसे स्पीड मैनेज कर दिया, स्पीड अभी यहाँ से अपने आप कम होती रहेगी। अभी इसमें क्या है, ये आपको दो ऑरेंज लाइन दिख रही होंगी, जैसी ऑरेंज लाइन से नीचे आएगी मैं फ्लैप वन ले लूँगा, और अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये ग्रीन डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आके स्पीड स्टेबलाइज हो जाएगी और मैं लेफ्ट टर्न मारता हूँ थोड़ा सा। ये मारा जहाज ने लेफ्ट टर्न, ये देखिए, सॉरी ये देखिए, वी आर टर्निंग लेफ्ट टुवर्ड्स द रनवे। Flying base 001 down to 2600 feet. Copy report established ILS. Roger, Roger sir. ये देखिए आपको दिख रहा है पायलट बैठा हुआ अंदर। जहाज डिसेंड क्यों नहीं मांग रहा है? Open, 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 open. हाँ, so now we are descending guys. ये देखिए thrust idle open descent. या वे डिसेंडिंग टू 3000 फीट। अब मैं इसको कर देता हूँ सेट टू 2600 फीट, तो 2600 फीट मैं डिसेंड कर रहा हूँ अब। छब्बीस माइलों में, तो मैं थोड़ा सा हाई स्पीड मेंटेन करता हूँ क्योंकि बहुत दूर है अभी हम रनवे से, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं।
क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू गो सो फास्ट. अबे यार ठीक है, सो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 230 नॉट सेलेक्ट कर लिया है. अभी जहाज पिच डाउन करेगा, देखिए पिच डाउन कर रहा है ये. दिस इज माई वर्टिकल स्पीड, इस रेट से मैं डिसेंड कर रहा हूँ और जहाज अभी स्पीड बढ़ाएगा अपनी. इफ यू वॉन्ट टू लुक बाहर से, ये देखो पिच डाउन है जहाज का. और ये मेरा रनवे है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये रनवे की सिधाई है. ऑन दिस साइड आई हैव टू टर्न लेफ्ट एंड इंटरसेप्ट द रनवे. मैं जब यहाँ से 4-5 माइल होगा आई टेक अ लेफ्ट टर्न और फिर मैं इंटरसेप्ट कर लूँगा रनवे की हेडिंग को. आई थिंक आई शुड स्टार्ट टर्निंग. ये मैंने स्टार्ट कर दिया अपना टर्न. ओहो, ओ भाई साहब, दो लोग हैं अंदर, दो लोग हैं अंदर. ये देखिए ये लेफ्ट साइड में ये मैं बैठा हूँ और ये तो है नहीं, खाली है, बट अब मान लीजिए कि को पायलट भी है. सो बोथ द इंजन्स आर रनिंग राइट नाउ और बेहतरीन टर्न के साथ. अब मैं थोड़ा सा और टर्न करता हूँ लेफ्ट. ये देखिए दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर्स विच डेली एक्चुअल डेली ATC गिव्स यू. 330 पे आके स्पीड ऑल स्टार, मतलब कि अब मेरा ऑल्टीट्यूड पकड़ लिया इसने और स्पीड भी पकड़ लिए. थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और मैं, और हाई स्पीड जाएंगे. बस अब लैंडिंग होने वाली है गाइस और इसको मैं यहाँ पे अप्रोच आर्म कर देता हूँ. GS लॉक ब्लू कैट 3 सिंगल, कैट 3 डुअल AP1+2. ILS बटन ऑन नहीं किया, ये देखिए ILS बटन भी आ गया. नाउ द मेन थिंग इज आप देखेंगे जैसे ही ये इंटरसेप्ट करेगा ना, ये एयरक्राफ्ट अपने आप टर्न मारेगा. मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो पायलट ऑन है. ये देखना अपने आप टर्न मारेगा, देखना ये इसके पीछे आ जाते हैं हम लोग. ये देखिए तो रनवे इस समय मेरे लेफ्ट में है, तो इमेजिन ये देखो अपने आप टर्न मार रहा है. मैंने कुछ नहीं किया इस बारी, इट इज़ टर्निंग टूवर्ड्स द रनवे और अपने आप को ये पूरा रनवे से अलाइन कर लेगा, पूरा सीधा हो जाएगा रनवे से. और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे ये अपने आप डिसेंड करना भी स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसको पता है इसको कहाँ डिसेंड करना है. ये आजकल मॉडर्न FMS है, मॉडर्न सिस्टम्स हैं. अगर मैं कॉकपिट के अंदर जाऊँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑटो पायलट लगा हुआ है यहाँ पे. एंड नाउ आई एम अलाइन विद द रनवे, आप देख सकते हैं. सो दिस OM28 इज रफली अबाउट 4 माइल्स फ्रॉम लैंडिंग. और आप जो VIDP28 देख रहे हैं ये मेरा रनवे है. अब मैं थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूँ, मैं 19 माइल हूँ ना अभी, थोड़ा करता हूँ, रुक जाओ, थोड़ा भी खेलते हैं. तो ये देखो यहाँ पे आ गया लॉक, मतलब आई एम एट लोकलाइजर, दैट मीन्स आई एम अलाइन विद द रनवे नाउ. जब एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा तकरीबन 6 माइल 6.5 माइल रनवे से, तब ये GSP ब्लू में है वो ग्रीन हो जाएगा, तब मैं अपने आप डिसेंड मारूंगा. मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस जब मैं रनवे से 200 फीट ऊपर हूँ ना, मुझे डिस्कनेक्ट करके ऑटो पायलट. ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट कहाँ से होता है मैं दिखा देता हूँ आपको. ये जो लाल बटन देख रहे हो ना आप, इसको मैं अभी डिसेंड कर, ये देखो ऑटो पायलट ऑफ हो चुका है इस समय. आप देख सकते हो कैटरी सिंगल आ गया, ऑटो पायलट ऑफ. अब मैं ऑटो पायलट दोबारा ऑन करूंगा तो ये बटन है, ये लगाया, ये देखो AP1 आ गया ना, AP1+2 दोबारा आ गया. 14 माइल हो गया भाई, थोड़ा वो कर लेते हैं, स्पीड डाउन कर लेते हैं. स्पीड इज मैनेज, अब अपने आप ही स्लो डाउन करेगा जहाज को. सो इंजन स्पूल डाउन हो जाएंगे, देख रहे हो आप इंजन आइडल पे हैं, स्पूल डाउन होंगे अपने आप स्पीड कम होगी. तो और बेहतरीन नज़ारा आपको देखेंगे, देखो थोड़ा पिच अप है जहाज का. ये पिच अप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ए, 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 ये देखो आई एम ऑलमोस्ट 5 डिग्रीज पिच अप. ये देखो रायन एयर हैज स्टार्टेड इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम यूरोप डायरेक्ट टू दिल्ली. एंड एट दिस पॉइंट मेरी अप्रोच चेकलिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए, मेरी लैंडिंग प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए. और ये आप देख रहे हो भाई, रुक जा, 10 माइल हो गए ना, फ्लैप वन ले लेता हूँ भाई. स्पीड चेक फ्लैप वन, तो व्हेन वी से स्पीड चेक मतलब, अरे नहीं ठीक है ठीक है ठीक है. अब यार देख रहे हो जब मैं नेक्स्ट फ्लैप तब लूंगा जब मेरी स्पीड जो है 200 के नीचे आ रही, क्योंकि 200 पे मार्क लगा हुआ ना ये, उसके नीचे आएगी तभी मैं दूसरा ले सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है. और लैंडिंग के टाइम पे देख रहे हो दिस इज कॉल्ड द लैंडिंग मेमो, लैंडिंग गियर डाउन लेनी है, साइंस ऑन करा. साइंस ऑन नहीं किया अपने यार,
लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार, दिस इज द कैप्टन स्पीकिंग। वी शुड बी लैंडिंग ऑन ग्राउंड इन अबाउट 3 मिनट्स फ्रॉम नाउ। साइंस ऑन है। आई होप यू एंजॉयड दिस फ्लाइट। अबे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हेलो हेलो, अरे इतनी अच्छी लाइटिंग, अरे क्या हो गया भाई? अरे अरे गोरौन मारना पड़ेगा भाई, रुक जा। भाग, इतनी अच्छी अप्रोच थी, खराब हो गई। हट, गोरौन मार रहे यार। चुप हो जा यार। अरे यार फिर से बेइज्जती हो गई। कोई नहीं गाइस, दोबारा से शॉर्ट लैंडिंग मारते हैं। हुआ क्या था मुझे नहीं पता, कंट्रोल गलती से दब गए कोई। हम लोग रनवे के बहुत पास है, 9 माइल ही है, तो मैं दोबारा घुमा के जहाज को ले आता हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन वैसे ही स्टार्ट पायलट है। एक राइट टर्न मारेंगे हम, यहाँ से आगे निकल गए। ये लो ये पर्चे पास कर रहे हैं हमको कि क्या क्या बोलना चाहिए लाइव स्ट्रीम पे। है मेडे, हाँ ऑलमोस्ट मेडे हो ही गया था भाई, गोराउंड मार दिया अपन ने। बट नो वरीज, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। स्पीड अपनी कम आ रही है, ओपन डिसेंट हो चुका है। टार रेड नाइट, सॉरी फ्लाइंग बी 001 सर, वी हैड टू गो अराउंड ड्यू टू टेक्निकल, देयर वाज सम इशू इन द कॉकपिट। Flying 001, copy that sir, report established on runway 28 once again. Call you established on runway 28 sir. यहाँ से मैं flap 1 ले लेता हूँ। So मुझे ना guys इस point के पीछे आना है, देखो 2600 लिखा है, इसके पीछे जाना है मेरे को। थोड़ा speed बढ़ा लूँ क्या? रहने देता हूँ, फिर से कुछ पंगे हो जाएंगे। देवियों सज्जनों नमस्कार, विमान कक्षा आपका कप्तान बोल रहा हूँ। किसी कारणवश हमें अपनी लैंडिंग अबॉर्ट करनी पड़ी एंड वी हैड टू डू अ गो अराउंड विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। वी शुड बी बैक ऑन ग्राउंड इन अनदर 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद फ्लाइंग बीस्ट एयरवेज। 76,000 लाइव वॉचिंग, जिसको देख के मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। और एक बार लेट मी चेक माई सब्सक्राइबर्स, जो कि मैंने पहले कमिट कर चुका हूँ कि मैं मिलियन के नीचे जहाज उतारूंगा नहीं। 996 के गाइस पीछे अगर आप बैठे हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 4,000 लोग हमें और चाहिए आज लाइव, मिलियन बना के जाएंगे। ए रितु, अपने फ्रिज में केक पड़ा हुआ है? केक पड़ा हुआ है, मिलियन कराओ गाइस, मिलियन कराओ। केक काटेंगे यहीं पे लाइव, पहली स्ट्रीम में लाइव मिलियन करके केक काटेंगे। मेरा हाथ क्यों कट रहा है? अच्छा इस तरफ, ठीक है इस तरफ आ जाता हूँ। थोड़ा सा राइट घुमाते हैं जहाज को, बाहर का व्यू। मैं ऊपर चेक करने गया, मैंने ना लैंडिंग लाइट ये सीट बेल्ट ऑन करी, उस चक्कर में मेरा काम तमाम हो गया, गलती से कंट्रोल छिट गया मेरे से। इतनी अच्छी अप्रोच बनाई थी मैंने। तो अब मैं घुमा सकता हूँ जहाज थोड़ा और आगे निकलता हूँ। उसको मैं सीक्वेंस कर लेता हूँ जहाज को अपने, इसको क्योंकि आफ्टर गो राउंड सीक्वेंस नहीं रहता। ILS 28 is selected, no worries. Flying this 001, turn right heading 090. Roger sir, right heading 090, flying with 001. So we are turning right, ये देखिए दिल्ली में थोड़े बहुत घर भी दिखे हुए हैं, but मुझे approach preparation करनी है। वन सेकेंड,
एक्टिवेट सेकेंडरी करो, ठीक है? ये लो पूरा फ्लाइट प्लान ही उड़ गया, ले लो। हाँ लगा तो हुआ है, वेव पॉइंट उड़ गया, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा ये रहा, ये रहा। सॉफ्टवेयर दिक्कत दे रहा है इसको, आईएलएस टू वेट तो लगा हुआ है। रॉ डेटा ही मार देता हूँ यार, छोड़ो। अरे सीक्वेंस नहीं हो रहा यार, OM28 रुक जा, ये सीधा इनबाउंड ले रहा हूँ मैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक्चुअली दिस लाइव स्ट्रीम इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड एट ऑल। आया 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 आया, भाई ये जहाज कहाँ जा रहा अपना यार? अब आएगा जहाज, अब आया अब आया अब आया अब आया। अब मैं तो उसको लैंड करा के रहूंगा, मेरी इज्जत पे बात आ गई भाई। भाई 12:40 हो गया है, अब मैं उसको लैंड करा के रहूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा, अब आ गया, सही में समझ में आ गया। 240 जाऊंगा, 240 से ले लूंगा, ठीक है ना? ये मेरा रनवे है, मेरे को इस लाइन को एक्सटेंड करना है, जो कि हो नहीं रही, बट डीपी डाल के यहाँ पे डीपी इसको लिया, 104 104 लिया। सीक्वेंस नहीं हो रहा है? अरे सीक्वेंस तो पहले जहाज, अब मैं ऐसे ही कर लूंगा, रॉयल डेटा मारूंगा यार, रुक जा। मतलब अब तो देख, अब मैं जहाज घुमा दूंगा और आर्म कर दूंगा अप्रोच। ये देखिए गाइस, अरे मैं थोड़ा लेफ्ट घूम रहा ताकि मेरे को एक्स्ट्रा वो मिलेंगे माइल्स। आजा 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 भाई, बहुत गर्मी है यहाँ पे, और दो दो रिंग लाइट लगी है अपने चेहरे के सामने, पसीने पसीने हो चुके हैं। सो नाउ व्हाट व्हाट इज हैपनिंग, हम रनवे के पूरे ऑपोजिट जा रहे हैं, अब यहाँ पे एक यू टर्न मारना पड़ेगा, और यू टर्न मार के हम आ जाएंगे। अप्रोच आम कर दिया हमने, है
एक सेकेंड, रुक जाए यार, सीक्वेंस नहीं हो रहा भाई। आई नो आई नो। डायरेक्ट डेल्टा पापा नवंबर ले लिया, डेल्टा पापा नवंबर, न्यू डेस्टिनेशन वी आई डी पी। अरे रुक जा तू, अरे रुक जा भाई, हो गया हो गया हो गया। अगली बार ये पहले सीख के आएंगे, उसके बाद और जॉयस्टिक लेके आओ। पहले जॉयस्टिक तो है नहीं, कहाँ से उड़ाओगे जहाज? माउस से क्या जुड़ता है? मोड़े बोर ना कर, मैं बोर हो गया तेरी स्ट्रीम देख देख के यार। अबे 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 मेरा पता, उड़ाने का मन कर रहा है उल्टा। अच्छी से जॉयस्टिक वगैरह ले आ, थ्रस्ट थ्रस्ट ले, मजे आएंगे, अच्छे से उड़ाएंगे। हाय राम, मोड़ बंद कर दे यार। रसभरी उठ जाएगी। हाँ 5 मिनट गाइस, 5 मिनट में मैं जहाज को मैं लैंड करा रहा हूँ। नहीं, दिस इज माय ट्रिक क्वेश्चन टू इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स, बिकॉज दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग ना। मिलियन के पहले, ओ अब तो मिलियन होके मैं जहाज उतारूंगा। केक लेके आओ भाई, मैंने स्पीड बढ़ा दी क्योंकि मेरे को उस साइड से आना ना। ये है ना अपना, ये ओ एम टू, वेट ये है, मैं उस साइड घूम रहा था, मैं रनवे 10 में घूम रहा था। जाके ये उठेंगे मना उठ ही नहीं रहे हैं यहाँ से यार, सही में भूखे मर गए, खाना खाना है। एक्चुअली हमने अभी डिनर भी नहीं किया, बट कोई नहीं, डिनर से ज्यादा जरूरी है हम पैसेंजर्स को सेफली उनके घर तक पहुंचाएं। घर वाले वेट कर रहे हैं। रुक उसके साथ जा, स्पीड बढ़ाने दे, मेरे को स्पीड बढ़ाने दे यार। ये सीक्वेंसिंग नहीं हो रही थी इसलिए सब दिक्कत हो रही थी। अब आएगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रुक जाना यार, रस्सी सो गई। ऑटो ब्रेक में आम कर देता हूँ, मीडियम मीडियम ऑटो ब्रेक। अब आएगा मजा, अब देखो, अब उतारता हूँ जहाज में, मोटे ऑटो लैंडिंग करेंगे। तो गाइस अभी आज हम ऑटो लैंडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्स नहीं है, हमारी फिर से बेइज्जती हो जाए हम नहीं चाहते, क्योंकि एक स्ट्रीम में एक बार बेइज्जती बहुत अच्छी होती है, एक स्ट्रीम में 2 बार बेइज्जती अच्छी नहीं होती। सो ये जो पॉइंट दिख रहा है, अब थिंग्स आर अंडर कंट्रोल गाइस, थिंग्स आर नाउ अंडर कंट्रोल। थोड़ा बीच में स्ट्रीम बोरिंग हो गया था, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, कंट्रोल्स नए हैं। एक बार मैंने कल रात को ही व्लॉग, ये व्लॉग कह रहा हूँ, ये मैंने खेला था, जो मैंने व्लॉग में डाला हुआ है, कल रात को ही ये मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। एक्सप्लेन, आई विल गेट बेटर एट दिस। अब मजा आएगा, रुको, अब आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, अंडर कंट्रोल लाओ, अब मैं नीचे। तो देवेश सर नमस्कार, मैं विमान कक्षा का कप्तान बोल रहा हूँ। अभी तक हम फिगर आउट कर रहे थे कि जहाज को उतारना कैसे, अब हमने पूरा फिगर आउट कर लिया है। एक लाल कलर का बटन था, वो हमें नहीं दबाना था, जो हमने गलती से दबा दिया। चैट टू चैट पढ़ यार, चैट पढ़ तू, लोग क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ फर्जी पायलट, ऑल द बेस्ट सर, लैंडिंग एयर। लोग कह रहे हैं भैया प्लीज लैंडिंग ला लो, लास्ट लास्ट वी आर लास्ट लैंडिंग लास्ट। अरे सीक्वेंसिंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत है यहाँ से। देख मैंने अगर यहाँ करूँ ओपी करूँ 104, देख सीक्वेंसिंग नहीं हो रही। अच्छा हो गई हो गई, सीक्वेंसिंग हो गई, सीक्वेंसिंग हो गई, देख रही है। फ्लैप वन दे दे, फ्लैप वन दे दे, ये देख सीक्वेंसिंग ही नहीं हो रही। स्वीच चेक फ्लैप वन, कर दूंगा वो तो, कर दूंगा। लॉक ऑन किया होता पहले, ऐसे टर्न मार लेते ना, ऑटो सीक्वेंस मार के। लेकिन
होना चाहिए यार, इसको ये डिसार्म नहीं हो रहा यार, देख। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, आया 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 आया, अरे देख रही, हो नहीं रहा है। चल ठीक है, वहीं से पकड़ लेगा वो, क्या दिक्कत है ना, जी स्टार लॉक स्टार पकड़ लेगा। जी एस लॉक ब्लू नैब कैटरी डू ऑल ऑटो, अरे लैंडिंग चेकलिस्ट कैप्टन, लैंडिंग चेकलिस्ट फ्लैप टू ले लेते हैं बेटा, स्पीड चेक फ्लैप टू। स्पीड मैनेज लूंगा, कम ऑन, आई लेस ग्लाइड स्लोप अभी एक्टिव नहीं है, ग्लाइड स्लोप एक्टिव नहीं है, ले डिसेलरेटेड अप्रोच, डिसेलरेटेड अप्रोच। आगे 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 ले रहा हूँ, ले रहा ले रहा हूँ। ओके गियर डाउन कैप्टन, गियर डाउन, लैंडिंग गियर डाउन, बाहर से नज़ारे दिखाएंगे लैंडिंग गियर डाउन के आपको, ये देखिए अभी गियर डाउन आएगी, कितना सुंदर नज़ारा गियर डाउन लेने का, बहुत ही सुंदर दृश्य गाइस, ये देखिए आप। अब आप चैट में लिखिए फ्लाइंग बीस्ट ओपी, फ्लाइंग बीस्ट ओपी आना चाहिए, अब मज़ा आया, अब आएंगे मज़े, अब आएंगे मज़े, अब बिल्कुल ग्लाइड स्लोप एक्टिव हो चुका है, अब मज़े आएंगे गाइस। ये देखिए जैसे ही ये ग्लाइड स्लोप एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, फ्लैप थ्री ले लेते हैं। अभी लॉक लॉक क्यों नहीं आया अभी तक, अच्छा एक साथ ही आएगा वो, एक साथ ही आएगा वो, एक साथ ही आएगा वो, क्योंकि वो पॉइंट है ना वो वहाँ पे पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। ले भाई निकल गया, ले निकल गया, ओपी हो गया, ओपी हो गया, जी एस टार लॉक स्टार आ गया भाई, जी एस टार बेस्ट में तो बच गई गाइस, फ्लैप फुल। अब मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ, ये देखिए नाउ वी आर सेट इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको दिखाते हैं रनवे कैसे दिखता है यहाँ से, ये देखिए ये सामने फ्लाइंग मिस 001 कंफर्म योर एस्टैब्लिश्ड रनवे 28 एस्टैब्लिश्ड ऑन आईएलएस रनवे 28 सर, फ्लाइंग मिस 3001 सरफेस विंड्स एट 320 नॉट्स एट 3 नॉट्स रनवे 28 क्लियर टू लैंड, क्लियर टू लैंड, फ्लाइंग बीच ओपी हो जाएगा गाइस। लैंडिंग से पहले मेरे को 1 मिलियन चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा उड़ा दूंगा जहाज हवा में, लैंडिंग से पहले भाई 200 सब्सक्राइबर चाहिए, और लैंडिंग होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे, क्या ऑल्टीट्यूड हमारा, ऑल्टीट्यूड क्या कैप्टन, गाइस जल्दी करो यार, जल्दी करो आईडी बनाओ फटाफट, 4 माइल है रनवे से, 4 माइल है, 1800 फीट है लैंडिंग को, हार्डली 1 मिनट है, 2 मिनट्स टू लैंड, क्या हो गया 2 मिनट्स टू लैंड गाइस, 2 मिनट्स टू लैंड, 100 सब्सक्राइबर चाहिए, 120 999 879, जल्दी कराओ यार, तो मैं हाई लैंडिंग कराऊंगा, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई, मिलियन चाहिए, मिलियन, ये वी गॉट मिलियन, यो मिलियन सब्सक्राइबर्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अब मेरा जहाज कहाँ गया, रुक जाइए, अप्रोचिंग 2-8, थैंक यू गाइस 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओहो हो, अब ये सुबह अगर ये सुबह कम हो गए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हमारे, स्टूडियो में दिखा रहा है 1 मिलियन इन द स्टूडियो, ओहो हो, यो और अब आपको लैंडिंग दिखाता हूँ, आप देखिए आप भी कैप्टन है, इतने साल से काम कर रही है, आपने हमेशा कॉकपिट के अंदर देखी होगी, अब आप कॉकपिट के बाहर की लैंडिंग देखिए कैसी होती है, ये देखिए गाइस, ओहो हो, ये देखिए कैसा जहाज, सुंदर जहाज नीचे आता हुआ, और ये देखिए ये आपके सर के ऊपर से भी निकलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया गाइस, ये देखिए ऐसी जोर की हवा आएगी आपकी पूरी पूरी विंग उड़ जाएगी और आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये देखो बस हम लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, ये हमारा रनवे है, अब कॉकपिट के अंदर चलते हैं कैसा होता है, 20, 10, retard. मतलब इसको मैं ये ले लेता हूँ नीचे, और ये नीचे अब फुल रिवर्सर, ठीक है गाइस, और मेरी ऑटो ब्रेक्स लगी हुई है, ऑटो ब्रेक्स नहीं लगी थी क्या, लगी ब्रेकिंग काम कर रही है बहुत बढ़िया, कितना सुंदर सेंटर लाइन पे जहाज आते हुए मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके नीचे उतरे हम, जब हमने टेक ऑफ किया तो हमें 40,000 लोगों की जरूरत थी, और अब 40,000 हवा में पकड़ के हम लैंड हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग की, पायलट गौरव से नहीं जाने, और आपका भी अच्छा योगदान था, थैंक यू सो मच। कॉकपिट रिवर्स जा रहा है, लेकिन रिवर्स जाना नहीं चाहिए, आइडल, ओके, जहाज आ चुका है, पार्किंग ब्रेक लगा देते हैं, और इस फ्लाइंग बेस्ट 001 वेलकम टू दिल्ली, थैंक यू सो मच, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली वी फाउंड द रनवे, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो सर, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, वी हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नाउ, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव, केक लेके आओ भाई, फ्लाइंग बेस्ट ओपी, केक लेके आओ, केक कोई नहीं जाएगा, सबको केक खिलाएंगे आज हम,
66 के वॉचिंग है, वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीम पे मिलियन होते हुए देखा है लाइव स्ट्रीम पे, और मेरा पहला लाइव स्ट्रीम था यार, मजे से आ गए, बीच में थोड़ा सा फकअप हो गया था। 73 के वॉचिंग, जल्दी केक लेके आ भाई, अभी मैं इसको इंजन विंजन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फ्यूल सेविंग भी करनी होती है हमने। आफ्टर लैंडिंग चेकलिस्ट, फ्लैप्स रिट्रैक्टेड, स्पॉयलर्स डिसआर्म, लैंडिंग लाइट्स हमारी ऑफ ही रहेगी। ऑन रनवे 28, ऑन रनवे 28। हाँ मैडम ठीक है यार, आफ्टर लैंडिंग चेकलिस्ट, आफ्टर लैंडिंग चेकलिस्ट, स्पॉयलर्स डिसआर्म, फ्लैप्स रनवे ये ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है इंजन एपीयू स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं एपीयू स्टार्ट करने दो यार, रुक जाओ, लाओ भाई पहले केक खिलाया जाएगा, रुक जाओ, एक बार एक बार एक बार अपने लिए शॉर्ट आउट दे दो यार, प्लीज प्लीज अपने लिए शॉर्ट आउट दे दो यार, फ्लाइंग बीस्ट आर्मी ओपी, और बहुत ही मजा आया इसमें, बहुत ही ज्यादा एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी था जो हमने इसमें डाला, ये लीजिए, खा लिया आपने, आप कह खा लिया, थैंक यू सो मच। अभी हम इसको कंट्रोल्स लेके आएंगे, यहाँ पे एक स्टिक लगाएंगे, थ्रस्टिंग लगाएंगे तो अच्छा हम लोग देख पाएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, और एक चेकलिस्ट वेकलिस्ट लेके आएंगे अगली बार से। ये तो हमारा वो था जो डिटेल्ड प्रोसीजर होता है फ्लाई करने का, वो उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आप ये मत समझिएगा, जस्ट मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि इतनी मस्ती हम लाइव स्ट्रीम में कर रहे हैं तो जहाज चलाते वक्त इतनी मस्ती करते हैं, ये सिर्फ लाइव स्ट्रीम था, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए था। फ्लाइंग बीस्ट आर्मी ओपी भाई, तुम लोग को सल्यूट है, सल्यूट तुम लोग को। अब मैं जहाज का ये आ चुका है, एपी ऑन कर देता हूँ, कंडीशनिंग, अब आई एम गोना टर्न ऑफ द इंजन्स, इंजन्स ऑफ, हल्का सा स्विच मारता है वो, एलएस पुश बटन ऑफ, और सीट बेल्ट साइंस भी ऑफ कर देते हैं, टैक्सी लाइट्स ऑफ, सीट बेल्ट साइंस कैन गो ऑफ, पैसेंजर्स अब आप खड़े होके एक दूसरे से चिपक के खड़े हो सकते हैं। ओए हाँ ऑन रनवे 28, ऑन रनवे 28, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू, एक बार ओपी कर दो यार अपने एटीसी के लिए, अब्दुल सर स्टिल देयर, यस सर, एक बार अब्दुल के लिए ओपी कर दो यार, ही वाज द एटीसी एंड बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए, वाज वेरी पेशेंट विद अस, अब्दुल ओपी एक बार चला दो चैट पे प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि अब्दुल सर दोबारा भी हमारे साथ आए इतना हमारे साथ उन्होंने किया। अब्दुल सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस एटीसी, यू आर वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। अच्छा हाउ वाज द फ्लाइंग एक्सपीरियंस, मतलब मेरा पहला फ्लाइट था तो आपको क्या लगता है कि पहले फ्लाइट में लोग और भी ज्यादा फकअप मारते कि मैंने काफी मैंने ठीक ठाक मारे? अरे सर यू कैन बिकम अब्दुल नाउ, लीव लीव दिल्ली एटीसी नाउ, हेलो 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 अब्दुल सर, यस सर यस सर यस सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर इंग्लिश प्लीज, ओ सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दिस फ्लाइट? या इट्स ऑसम एक्सपीरियंस सर, नेक्स्ट टाइम वी विल फ्लाई विद द रडार कंट्रोल सो आई कैन कंट्रोल वेरी इजीली, यू कैन गिव द वेक्टर्स, हां हां हां, तो आई विल गेट माय स्टिक एंड थ्रस्ट इवज आल्सो, सो इट विल बी बेटर कंट्रोलेबिलिटी फॉर मी आल्सो। And yes sir, next time we will develop the graphics and all those stuffs and we'll get that. into the we'll another we'll, stream definitely we'll do it soon, within a week we'll do it because I loved it and thank you so much sir for coming online. Ek second Ritu, welcome sir and once again welcome to virtual world, thank you so much, thank you so sir. Acha this message is for everyone, main udaungi ek bar bahut acche se, main although pata actually जो डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं बहुत थोड़ा बोरिंग हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बट एक बार मैं एक फ्लाइट में ज़रूर हम दिखाएंगे कि कैसे होता है मेन, बाकी सारा वुड बी फॉर फन क्योंकि वरना बोरिंग हो जाएगा। चलो सर थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ नाउ एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया दिल से, और लाइव 1 मिनट हो गया, यकीन नहीं हो रहा। अब बस सीन ये है कि मेरे को ये बंद करना आ जाए कि बंद कैसे करते हैं। हाँ वन सेकेंड,